رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे ईयर से मुताबिक, और ईयर में फिर हम आ गए थे फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर जिसको कहते हैं, जो कि कंट्री लेवल पर होता है। इसी की बात हम कर रहे थे। तो हमने कहा सर, जिस तरह एक छोटे से घर को अपना बजट बनाना होता है, बजट बनाए बगैर तो एक घर नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा मुल्क बजट बनाए बगैर नहीं चल सकता, उसके लिए बजट बनाना पड़ेगा। कि हमारी अर्निंग कितनी है मुल्क को डिसाइड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी अर्निंग साल की कितनी है और हमारे खर्चे साल के कितने हैं। अर्निंग कहाँ से आती है? टैक्स रेवेन्यू भी होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। बात समझ आती है? अच्छा भाई, नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये सारे के सारे पेनल्टी चार्जेस, चालान, समझ रहे हो ना, टूल टैक्सेस, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं। गवर्नमेंट के जो पार्क्स होते हैं, उस पार्क्स की टिकट कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट होता है। तो टैक्स रेवेन्यू भी होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। जब भी हुकूमत बजट अनाउंस करती है, और वो कब करती है, कौन से महीने में आता है? जून के महीने में आता है। जुलाई से तो इम्प्लीमेंट हो जाता है आमतौर पर, ठीक है। जून के महीने में बजट आता है जो अगले साल का होता है। जून में, मिसाल के तौर पर जून 21 में जो बजट आएगा, जून 21 में जो बजट आएगा वो बेसिकली एप्लीकेबल होगा कब से कब तक के लिए? जुलाई 21 से जून 22 तक, ठीक है मेरे बच्चों। इधर खड़े होकर हम बजट बनाएंगे, और ये आंख इसको देखेगी, इसको प्लान करते हुए बजट बन रही है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो फाइनेंस एक्ट आता है, अच्छा सॉरी बजट, और जाहिर सी बात है बजट में कुछ मेजर्स होंगे, बजट में कुछ मेजर्स लिए जाएंगे। इस पर इतना टैक्स बढ़ा दो, सैलरी पे इतना टैक्स बढ़ा दो, रेंट के ऊपर ये टैक्स कर दो, कैपिटल गेन का टैक्स 15 से कम करके 12.5 कर दो, ये बजटरी मेजर्स होंगे ना। उन बजटरी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन बजटरी मेजर्स को लॉ का पार्ट बनाने के लिए जून 21 में आता है फाइनेंस एक्ट। क्या आता है? फाइनेंस एक्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ। ये फाइनेंस एक्ट बेसिकली लॉ को चेंज कर रहा होता है, ये लॉ है। असेंबली से पास होगा, देखा होगा ना अपने टीवी में, बड़ा हल्ला मचता है। ऑपोजिशन के अरकान फाइनेंस बिल फाड़ देते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, उसके बाद फिर भी वो अप्रूव हो जाता है। ये सारा टॉपिक ड्रामा होता है। इसको क्या कहेंगे? फाइनेंस एक्ट 2021, जो कि एप्लीकेबल किस पे होगा अभी हम देखेंगे कि इसको टैक्स ईयर को क्या कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं टैक्स ईयर 2022। मैं कभी कह दूं फाइनेंस एक्ट 2021, इसका मतलब भी वो लॉ है जो किस पर एप्लीकेबल है? 2022 में। और अगर मैं टैक्स ईयर 2022 कहूं, तो उसका मतलब भी मैं किस लॉ की बात कर रहा हूं जो 2022 पे एप्लीकेबल है। क्या बात समझ आती है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये सर कि अब इस फाइनेंस एक्ट में जो भी टैक्स रेट डिसाइड होगा, जो भी लॉ में चेंजेस आएंगे, वो इधर से लेकर इधर तक पूरे साल एप्लीकेबल रहेंगे। क्या बात समझ आती है? इसके ऊपर हम मजीद बातें करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको ये समझाया कि जो बजट बनता है, बजट में टैक्स रेवेन्यू भी होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, ठीक है बात। और फिर उस बजट के अंदर एक्सपेंसेस भी फोरकास्ट किए जाते हैं कि मुल्क चलाने के लिए हमें ये एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। रोड बनेंगे, डैम बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। बताती समझ में? अच्छा, गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी जाएंगी, जितने पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं उन सबकी सैलरीज जाएंगी। अच्छा सर, आमदनी हुई
मिसाल के तौर पर इनकम हो किसी की 1,00,000 रुपए की और एक्सपेंसेस हो किसी के 3,00,000 रुपए के, तो क्या होगा? 2,00,000 रुपए नेगेटिव में खड़े होंगे सर हम। इस नेगेटिव को बोलते हैं बजट डेफिसिट। अब कभी अगर तुम लोग कोई बजट की कमेंट्री पढ़ोगे ना और उस बजट की कमेंट्री का पहला पेज देखोगे तो तुमको समझ आना शुरू हो जाएगा। मेरी बातों पे गौर करना तो तुमको समझ आना शुरू हो जाएगा। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में इनकम टैक्स, FED, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वो सारे लिखे होंगे। हम इस हिस्से इतना इतना फोरकास्ट कर रहे हैं, फिर इतनी एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं हम, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर इतना कर रहे हैं, इसके एक्सपेंडिचर इतना प्लान किया हुआ हमने। अच्छा भाई, लेस किया, प्रोविंशियल को शेयर इतना दे दिया, प्रोविंस अपना खर्चा करेंगे, वो लेस कर दिया, ये बजट डेफिसिट आ गया। अब इस बजट डेफिसिट का क्या करेंगे सर? खर्चे कम कर भाई। नहीं, खर्चे तो कम नहीं हो सकते, माजरत के साथ। अवाम की फलाह बहबूद तो हमारी अव्वलीन तरजीह है, इसलिए बजट के खर्चे तो कम हो नहीं सकते भाई। जब तक मिनिस्टर को अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए कैसे काम करेगा? आप बताएं ना, कैसे काम करेगा? नहीं कर सकता सर, एक्सपेंसेस कम मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा? इस बजट डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करना पड़ेगा, इसके लिए कहीं से लोन लेना पड़ेगा। कहाँ से लोन लेना पड़ेगा? तो लोकल बैंक से भी लोन लिया जाता है, ठीक है, और फॉरेन कंट्री के जो बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, चाइना है, सऊदीया है, उनसे भी खैरात, इमदाद, लोन वगैरह, ये सारी चीज़ें लेके इस बजट डेफिसिट को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो हुकूमत लोगों से भी लेती है, आवाम से भी लेती है। कैसे लेती है? आवाम से कैसे लेती है? अपनी डेट सिक्योरिटी इशू करती है। किसी को पता हो नहीं पता हो, लेकिन जब इंशाल्लाह फर्म्स में जाओगे तो पता लग जाएगा, गवर्नमेंट टी बिल्स भी इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स भी इशू करती है, PIBs, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी इशू करती है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कभी उनके फाइनेंशियल्स उठा के देखने का मौका मिले, जब थोड़े बड़े हो जाओगे, अभी तो इतने बड़े नहीं हुए हो, जब FR2 पढ़ लोगे, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के काबिल हो जाओगे, तो फिर टीचर क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाते हैं आपको, देखो खोलो देखो दुनिया चलती कैसे। तो उसमें कभी तुम देखोगे तो कंपनी के एसेट्स में ये चीज़ें आ रही होंगी, टी बिल्स, PIBs, तो कंपनी का एसेट होगा, लेकिन कंपनी ने लोन किसको दिया होगा? गवर्नमेंट को लोन दिया है बेसिकली, इसके ऊपर गवर्नमेंट सूद देती है। यूँ समझ लो, ये कंपनी को आम आवाम ने लोन, गवर्नमेंट को आम आवाम ने लोन दिया है, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर पैसा उधार लेती है, बोरो करती है PIBs के थ्रू, टी बिल्स के थ्रू, और बैंक से पैसा लेती है, ठीक है भाई। और फिर भी कम पड़ेगा तो कहाँ से लेगी? वर्ल्ड बैंक से, IMF से, चाइना से, सऊदी से, दोस्त मामले के ना हमारे, तो वहाँ से। अच्छा, मज़े की बात देखो, जितनी एक तो जो ढंग का रोड बनता है वो तो बनाते ही चाइना वाले हैं। कभी कोई गया हुंजा की साइड पे, गया कोई? कैसा रोड बना हुआ है वो रोड देख के बंदा भूल जाता है कि हम पाकिस्तान में हैं। ऐसा रोड बनाया है पाक चाइना फ्रेंडशिप कॉरिडोर, मतलब चाइना वालों ने बनाया है वो। बोला भाई पाकिस्तान वाले बनाते तो सर जैसे ही कोई डंपर ट्रॉलर गुजरता वो रोड तो वैसे ही ख़त्म हो जाता। बहुत ज़बरदस्त CPAC का पार्ट है ना वो रोड, पूरा वो पूरी पट्टी CPAC का पार्ट है। तो ये जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, जाहिर सी बात है चाइना ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसा टनल कितना ज़बरदस्त बनाया है, आताबाद का जो टनल है, इतना बड़ा टनल। तो भाई कहने का मकसद ये है कि जाहिर सी बात है ये सारे के सारे खर्चे आवाम की फलाह बहबूद के लिए करने पड़ते हैं। तो हमने कहा ये एक छोटा सा खाका मैंने आपको दिया, कि ईयर की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि एक मंथ को भी हमें प्लान करना होता है। इधर एक बात मेरे जहन में आई, मैंने कहा ज़रूर शेयर करूँ। हमारे टीचर थे, जब हमें पढ़ाते थे तो हमें कहते थे कि बेटा गरीब की डेफिनेशन क्या है, गरीब कौन होता है? क्या गरीब वो होता है जिसकी इनकम 25,000 है, 30,000 है साल महीने की? मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी इनकम है महीने की 50,000 रुपये, अल्लाह पाक उसकी इनकम में बरकत दें, उस 50,000 की इनकम में से 30,000 में या 40,000 में वो घर चला रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस भी पे कर रहा, घर का रेंट भी पे कर रहा, घर का राशन भी डलवा रहा, सब कुछ कर रहा, और उस
50,000 में से 40,000 रुपए का खर्चा करके 10,000 रुपए सेविंग भी कर रहा है। एक ये बंदा है। दूसरा बंदा है जो महीने के 5,00,000 रुपए कमाता है, उसके खर्चे हैं 7,00,000 रुपए के, और वो 2,00,000 के खर्चे पूरे करने के लिए किसी से लोन लेता है। क्या ख्याल है गरीब कौन होता है, कौन होगा दोनों में से? सर ये इसका मतलब कि गरीब और अमीर तो एक रिलेटिव टर्म हो गई सर। क्या ख्याल है, वो 5,00,000 कमाने वाला भी गरीब हो सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को और अपनी ख्वाहिशात को अपनी चादर देखकर अपने पांव फैलाने, अपनी चादर देखकर अपने पांव फैलाने, हमें दूसरे की चादर देखकर अपने पांव नहीं फैलाने। सर वो तो आप देखें गाड़ी में आता है सर, आप उसका लाइफ स्टाइल देखें सर, वो तो रोज़ मैकडोनल्ड्स खाता है। अल्लाह पाक ने दिया है खा सकता है, क्या है इसमें? आप दुआ करो अल्लाह पाक आपको भी देंगे। अच्छा और दूसरे को देख के ना हसद ना करो, हसद ना करो। जब भी दूसरे को खुश देखो ना जलो मत उससे, ये मेरी नसीहत याद रखो हमेशा। जब भी तुम दूसरे को खुश देखो ना दूसरे को अच्छे हाल में देखो, दुआ दे दो उसको अल्लाह पाक इसको और खुश रखे, अल्लाह पाक इसको और बरकत दे। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो ये, अल्लाह पाक इसको आपके लिए पूरा फरमा देंगे। दूसरे को देख के जलो नहीं, हसद नहीं करो, हसद नहीं करो। ये बहुत अच्छा पढ़ता है सर, एक दफा पढ़ता है इसको याद हो जाता है, माशाल्लाह बोल दो भाई। क्या ख्याल है? दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, खुश रहने का तरीका क्या है सर? खुश कैसे रहें हम? हम हर वक्त डिप्रेशन में, हम हर वक्त परेशानी में हैं, जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, बहुत अफसोस की बात है। जब भी तुम अपने से कमतर को देखोगे हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। उसूल है ये, उसूल है। जब भी आप अपने से ऊपर वाले लेवल के बंदे को देखोगे हमेशा डिप्रेशन और परेशानी का शिकार रहोगे। यार ये सोचो तो सही कि अल्लाह पाक ने आपको कितनी नेमतें दी हैं यार, कितनी नेमतों से नवाजा है आपको। छोड़ दो माल दौलत पैसा छोड़ दो, अल्लाह पाक ने आपकी जो बॉडी है उसको सही सलामत रखा, ये कितनी बड़ी नेमत है। तुम सोचो ना ये हाथ काम करना छोड़ दे, क्या हाल हो, क्या हाल होगा? लाखों करोड़ों रुपए हाथ काम नहीं कर रहा था, क्या हाल होगा? ऐसा करोड़ रुपए किसी काम का होगा नहीं होगा उनका। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जबान का टेस्ट खत्म हो जाता है, टेस्ट चला जाता है। वो अरबों रुपए देने के लिए तैयार है, कोई हमसे हमारी पूरी जायदाद ले ले, हमारी जबान का टेस्ट हमें वापस पहुंचा दे, लौटा दे हमें। अल्लाह की मर्जी नहीं होती, नहीं आता वापस। तो भाई सिर्फ पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। और अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं जब आप शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह पाक अपनी नेमतों को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप कुफ्र करेंगे ना तो अल्लाह पाक अजाबे शदीद में मुब्तला कर देंगे, अजाबे शदीद में मुब्तला कर देंगे। इमाम साहब बयान फरमा रहे थे, उन्होंने कहा ये अजाबे शदीद क्या है? कहा अजाबे शदीद ये है कि मिसाल के तौर पर मैं शुक्र नहीं कर रहा, मैं दूसरों को देख रहा हूँ यार ये तो देखो इसकी तो महीने की इनकम 10,00,000 रुपए है, यार मैं इतने साल गुजार के भी आज तक यहाँ नहीं पहुँच पाया, ओह ये क्या ज्यादती है यार, मेरा एक्सपीरियंस तो ज़्यादा है उससे। अजाब शदीद क्या है सुनना गौर से, अजाब शदीद अल्लाह की तरफ से ये कि मेरा दिल हर वक्त कुड़ता जलता रहेगा, मैं हर वक्त जलता रहूँगा, मैं हर वक्त परेशानी का शिकार रहूँगा। ये क्या है यार, ये मेरे साथ क्या हो? अगर मैंने अपने से नीचे वाले को देख लिया होता मैं हर वक्त शुक्र करता, या अल्लाह तेरा लाखों करोड़ों शुक्र, इसके पास तो ये भी नहीं तूने मुझे ये भी दिए, इसके पास तो ये भी नहीं तूने मुझे ये भी दिए। शुक्र करो हर हाल में, अल्लाह का शुक्र अदा करो हर हाल में। अल्लाह पाक का यही सबसे बड़ा करम है, जितना शुक्र अदा करो कम है कि तुम्हारे वालदैन तुम्हारा खर्चा उठा रहे, तुम्हारे वालदैन तुम्हें पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं। भाई कितने लोग जो हायर एजुकेशन हासिल कर ले कर पाते हैं, कितने हैं? आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। जितनी मुश्किलात आपके वालदैन झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, इससे बढ़ के कोई बात हो सकती है? नहीं। लेकिन फिर भी हम में से हर एक बंदा नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स आपको खा जाएंगे, यकीन करो। आप कभी कुछ बुरा सोचो, नेगेटिव सोचो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी सारी खत्म हो जाती है। बात आती समझ में? तो हर वक्त अपने से नीचे वाले लोगों को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह पाक ने जो दिया है, जितना दिया है, सबसे ज़्यादा दिया है, हमारी औकात से बढ़कर दिया है। ठीक है भाई, ये बात ज़िम्न आई थी तो बस। अच्छा भाई,
ईयर की ईयर का तस्करा किया हमने, हमने कैलेंडर ईयर का तस्करा किया, हमने अकाउंटिंग ईयर का तस्करा किया, हमने फिस्कल फाइनेंशियल ईयर का तस्करा किया, हमने कहा ये ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से? सर हिसाब किताब के पर्सपेक्टिव से, प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से। हिसाब किताब बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिक विजन बहुत ज़रूरी है कि आगे हमने करना क्या क्या है। और जब पूरा साल गुजर जाएगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस, उसका कंपैरिजन, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारा देखना, असेस करना। हम ऐसा नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ यार इस कैलेंडर ईयर में जैन टू दिसंबर दो कंपनीज हैं, एक कंपनी ने अपना ईयर एंड रखा हुआ है जैन टू दिसंबर, दूसरी कंपनी ने अपना ईयर एंड रखा हुआ है जुलाई टू जून। क्या ख्याल है, दोनों को कंपेयर करोगे तो मज़ा आएगा? मज़ा नहीं आएगा सर। अगर दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री के अंदर रह रही हैं, दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, तो सर उनका ईयर भी एक ही ईयर लेना आप उनका, तब उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो मज़ा आएगा आपको। क्या ख्याल है? अगर मिसाल के तौर पर तुम कैनवुड, ग्री, हायर, तीन एसी की कंपनीज हैं, तुम उन तीन एसी की कंपनीज को कंपेयर कर रहे हो, क्या ख्याल है? तो सर उन तीन एसी की कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं, एक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है जैन टू दिसंबर, एक की बनी हुई है जुलाई टू जून, कर सकोगे कंपेयर? हमने कहा सर मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा सर। ठीक है, तो कंपैरिजन भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंट्री है ना, कंट्री की ग्रोथ को दूसरी कंट्री से भी तो कंपेयर करना पड़ेगा हमें कि वेयर डू अदर कंट्रीज स्टैंड। ठीक है भाई, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा भाई, ये सारी बातें हमने कर ली। अब ये सारी बातें करने के बाद हम मूव कर रहे हैं टैक्स के कॉन्सेप्ट पे, विच इज टैक्स ईयर। अच्छा, हमें ये तो पता लग गया कि कंट्री का ईयर कब से कब तक चलता है, जुलाई टू जून चलता है। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है टैक्स ईयर का, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आता है। सर व्हाट इज टैक्स ईयर? चलो अब ये टैक्स ईयर हर पर्सन का होता है, ये टैक्स ईयर किसका होता है? मैं कहूं कंट्री का क्या होता है, कंट्री का तो फिस्कल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है कंट्री लेवल के ऊपर, लेकिन टैक्स ईयर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। क्या बात समझ आती है? व्हेन आई से पर्सन, या वो इंडिविजुअल होगा, ये एओपी या कंपनी। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर काफी बात करेंगे हम। टैक्स ईयर के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर जैसे आपको पता है, नाम से ही पता लग गया ये काफी नॉर्मल लग रहा है हमें। नॉर्मल के नाम में नॉर्मल दिखने वाली चीजें आती हैं, तो नॉर्मल ही होना क्या चाहिए सर? नॉर्मल यही होना चाहिए कि इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, उनका साल भी कहां से कहां तक चले, जुलाई से जून चले। सर कंट्री का ईयर है सर, क्या बात कर दिया आपने। फर्स्ट जुलाई से शुरू हो, खत्म कहां हो? जो कंट्री का फाइनेंशियल फिस्कल ईयर चल रहा है सर, नॉर्मल टैक्स ईयर उसूलन उसी के हिसाब से होना चाहिए, तभी वो नॉर्मल कहलाना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो बेटा यही है डेफिनेशन नॉर्मल टैक्स ईयर की, 12 मंथ्स पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st जुलाई एंडिंग एट 30th जून। क्या बात समझ आती है? सर टैक्स ईयर का क्या नाम रखेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर तो है, लेकिन इसको हम क्या नाम दें? बहुत गौर से बेटा नाम देने का तरीका, बहुत गौर से सुनना। देखना ये होगा कि ये टैक्स ईयर कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, 2022 में एंड कब हो रहा है, 2022 में। इसको नाम देंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 2022। बात समझ आती है?
अब अगर मैं कभी कहूँ टैक्स ईयर 2022, तो आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे सर कब से शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है। नहीं सर, हम कहेंगे आपको कहना पड़ेगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2022। व्हेन आई से टैक्स ईयर आई मीन नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है। तो जब मैं कहूँगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2022, तो अब आपको समझ आ गया मैं कब से कब तक की बात कर रहा हूँ। पहली जुलाई 2021 से 30 जून 2022 की बात कर रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस टैक्स ईयर का नाम क्या होगा जो शुरू हो रहा है पहली जुलाई 2018 से और खत्म हो रहा है 30 जून 2019 को? क्या नाम होगा इसका? सर इसका नाम होगा टैक्स ईयर 2019। क्या ख्याल है, क्या नाम होगा इसका? स्पेशल टैक्स ईयर है। अल्लाह को मानो यार, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? मैंने तो बताया ही नहीं स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है। तो 18 में स्टार्ट हो रहा है, 18 में ही खत्म कर दूं इसको, क्या करूं? अल्लाह को मानो यार, ये 21 में स्टार्ट हो रहा था, 22 में खत्म हो रहा था। भाई स्टार्ट 21 में होगा तो खत्म तो 22 में होगा ना यार। 12 महीने का पीरियड है, 12 महीने का पीरियड स्टार्ट हो रहा है पहली जुलाई से, खत्म कब होगा? 30 जून, अगले साल के 30 जून को खत्म होगा ना। तो अगर ये पहली जुलाई 2018 से ये साल शुरू हो रहा है तो खत्म कहां होगा? 30 जून 2019 को। और इस टैक्स ईयर को क्या नाम देंगे? इस टैक्स ईयर को नाम देने के लिए हम देखेंगे सर ये किस कैलेंडर ईयर में खत्म हो रहा है, किस कैलेंडर ईयर में एंड हो रहा है, वही नाम दे देंगे इसको। क्या बात समझ आती है? ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल टैक्स ईयर की, अभी मैंने और कोई कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं है। क्लियर है बात? यहां तक किसी को कोई मसला तो मुझसे पूछे, अगर नहीं है मसला तो आ जाओ हैंड आउट में, हम साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे क्योंकि हम पहले हैंड आउट पे पहुंच चुके हैं। खबरदार, किसी ऑनलाइन के वाले बच्चे ने मुझे कहा कि सर हैंड आउट नहीं मिले। ग्रुप के ऊपर मैं 50 दफा शेयर कर चुका हूँ, शुरू आज हो रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों ने नहीं बोला तो फिजिकल वाले बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। चलो, मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा था कि फोटोकॉपियर के पास से आपने ले लेने हैं हैंडआउट्स? कितने बच्चों के पास हैंडआउट्स नहीं है? तो अल्लाह को मानो, हैंडआउट खाते हो, क्या करते हो? मतलब समोसे वमोसे खाते हो, उस पर लंच वंच करते हो, क्या करते हो? अभी इतने हैंडआउट बढ़ चुके हैं, अभी तक तुम लोगों के पास हैंडआउट ही नहीं है। खैर, आपको बताया कि हैं सिर्फ 4, तो आपके पास नहीं है बेटा। शेयरिंग इज केयरिंग, अगर थोड़ा सा शेयर कर लें, ठीक है। कहाँ ज़्यादा आबादी है जिसके पास हैंडआउट नहीं है? आपके पास है? चले भाई, 2 खवातीन में 2 मर्द हज़रात में, इक्वलिटी 4 ही है। एक मेरे पास है, क्लास के बाद तुम मुझसे ले लेना, ठीक है। अच्छा भाई, हैंडआउट को हम शुरू कर रहे हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं है? नहीं है? मुझे टेक्स्ट कर देना बेटा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। मेरा नंबर मैं मेंशन कर रहा हूं बोर्ड पे। ठीक है बेटा, आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अच्छा भाई, लेकिन सिर्फ इतना लिखेंगे, डियर सर प्लीज ऐड मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सिर्फ बस, डॉट, फुल स्टॉप। अच्छा भाई, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 74। 3 अभी हमने पढ़ाई सिर्फ नॉर्मल है, तो हम सिर्फ नॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। और अगर किसी बच्चे ने, अच्छा हैंडआउट है, हैंडआउट, इस हैंडआउट में कॉन्सेप्ट सारे होंगे। पहले हमारे हैंडआउट का तरीका ये होगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे हैंडआउट में, फिर उससे रिलेटेड जितने पास्ट पेपर्स हैं वो सारे हैंडआउट में। मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि इंक्लूड कर दूँ, जो रह जाएंगे फिर आखिर में, जब हम 2 तरह से चलते हैं, हम टॉपिक वाइज पास्ट पेपर करते हुए चलेंगे, और फिर सारे जो पास्ट पेपर ऑटम 2014 तक हैं, हम एक एक करके टोटल पास्ट पेपर देखेंगे, कुछ रह जाएगा वो भी हम कवर कर लेंगे। वैसे तो कोशिश करूंगा सारे के सारे हैंडआउट के अंदर ही इंक्लूड हो जाए, ठीक है।
और उस हैंड आउट के आखिर में एक समरी भी लगी हुई होगी, आपके पास भी होगी, एक समरी मिली होगी आपको बेटा, कोई एक समरी मिली होगी। अब इसके साथ लगी भी नहीं थी, वो अलग से एक पर्चा था, वो फोटोकॉपियर ने अलग कर दिया था, इसको स्टेपल कर दे रहा। जी बेटा ये क्विक समरी दिखाते हो बेटा, ये क्विक समरी का एक पेज आपके पास गिवन होगा बेटा, वो हैंड आउट के साथ स्टेपल कर लेना, ठीक है। ये पूरे हैंड आउट को समराइज कर रहा होगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब आप लोग याद करेंगे तो हैंड आउट से याद करेंगे। ये समरी रिविजन के लिए है, लास्ट डे रिविजन के लिए है, ये ऐसे नहीं है कि आपने याद ही इससे करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, सब सुन लो बेटा, सब सुन लो, अभी बता रहा हूँ, बार बार नहीं पूछना। बच्चों के मैसेज, सर आप पढ़ा तो रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ भी आ रहे हैं, सर याद क्या करना है ये तो बताएं आप। इतना टेक्निकल सवाल पूछता है ना बच्चा, मैं क्लीन बोर्ड हो जाता हूँ, जवाब नहीं होता मेरे पास, याद क्या बताऊँ उसको, क्या याद करना है मतलब बेटा, जो पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए यार, मतलब CA के स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल स्टडीज चल रही हैं आपकी, मैं ये टिक करवाऊंगा, ये याद करो ये छोड़ दो, याद करो ये छोड़ दो। जब भी टैक्स ईयर का हैंड आउट, जब भी हैंड आउट पढ़ाता हूं ना मैं, चेंज इन टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है, ये सारी बातें कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी देखो लास्ट अटैम्प में क्या सवाल आया, चेक करो। और मैंने जब ये हैंड आउट पढ़ाया था ना, ये हम जब पढ़ते ना चेंज इन टैक्स ईयर, अभी हम पढ़ेंगे चेंज इन टैक्स ईयर, पढ़ने वाले हैं अभी हम, जब भी पढ़ाता हूँ मैं हर अटैम्प के अंदर, मैं ये कहता हूँ यार देखो, ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, हर 4-5 अटैम्प बाद पूछता है, पूछता है, इसको डबल टिक कर लो, डबल स्टार कर लो। पिछले अटैम्प की रिकॉर्डिंग देख लो, उसमें भी बोला होगा मैंने, हर अटैम्प में बोलता हूँ मैं, हर 4-5 अटैम्प के बाद एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, देख लो पिछले अटैम्प में क्या आया, चेंज इन टैक्स ईयर। बात आई समझ में? तो यार एक छोटी सी चीज भी एग्जामिनर पूछ सकता है यार, एक मार्क की पूछ लेगा, डेफिनेशन ऑफ रेंट क्या करोगे? सर वो आपने बताया नहीं था ना, याद करना है, मसला है ना, मसला आपके साथ है, हमारे साथ थोड़ी है। अगर आप बता देते डेफिनेशन ऑफ रेंट याद करनी है, हम याद कर लें। तो क्या अगर मैं ये बता दूं कि पूरे कैप 6 में हर चीज याद करनी है, तो क्या ये कवर हो जाएगी, डेफिनेशन ऑफ रेंट कवर हो जाएगी उसके अंदर? क्या ख्याल है? जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपने याद करना है, जो टीचर पढ़ा रहा है आपने याद करना है। मुझसे पूछ के एग्जामिनर पेपर नहीं बनाएगा, हल्फिया कहने को तैयार हूं मैं, जो चाय दे सकता है, जो उसकी मर्जी चाय ना दे, मेरे पास इल्म गैब थोड़ी है, मैं आपको बताऊं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आज बेटा क्या बात समझ आती है सबको? जो पढ़ा रहा हूं याद करना है। अच्छा अगला सवाल आता है बच्चों का, सर क्या वर्ड टू वर्ड याद करना है, ये बता दो। टेक्निकल सवाल खत्म ही नहीं होते। पहली बात, टैक्स का पेपर लॉ का पेपर है, सुनना जरा बहुत गौर से बात सुनना, टैक्स का पेपर, टैक्स इज अ लॉ, लॉ के अंदर अल्फाज बहुत कीमती होते हैं, लॉ के अंदर अल्फाज बहुत कीमती होते हैं। माशाल्लाह जैसी आप लोगों की राइटिंग स्किल्स और लैंग्वेज है ना, उससे पास नहीं हो सकता, उससे लॉ पास होना मुश्किल है सर। तो जाहिर सी बात है हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हमें ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हमें याद करना पड़ेगा। जब हम इसको याद करेंगे और कर चुकेंगे तब भी हम लिखेंगे तो पूरा एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे आ इज द एंड और आगे पीछे हो ही जाएंगे, ठीक है। पहला जुमला बाद में आ जाएगा, बाद वाला जुमला पहले आ जाएगा, कंजंक्शन आगे पीछे हो जाएंगे। ये तुम याद करोगे ना तो भी हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं याद करोगे तो जो होगा वो डिजायरेबल नहीं है, फिर वो तुम फेल हो गए। बताती समझ में? क्या वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी है? देखो मेरी बात सुनो, अगर हम इसको आपकी आईकैप की किताब से पढ़ना शुरू कर देना तो आपके बाल अभी सफेद हो जाएंगे। लॉ मुश्किल लिखा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया, लॉ की लैंग्वेज मुश्किल होती है। आप में से होंगे कुछ बच्चे, इक्का दुक्का बच्चे होंगे, वो कहलाते हैं तेज बच्चे, शार्प बच्चे। वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे, सर ने ये लिखा हुआ है, देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है, सर की गलती है कोई, चेक करते हैं, सर ने लिखा है ये तो बहुत आसान है, किताब वाला याद करते हैं ये मुश्किल है, ठीक है करेंगे, वो कर लें कोई इशू नहीं। लेकिन एक आम बच्चे के लिए वो याद करना बहुत मुश्किल है। क्या बात समझ आती है बेटा?
तो उसको थोड़ा सा आसान आपके हैंडआउट में करके लिखा गया। आप हैंडआउट तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप खुद से लिखेंगे ना, तो आप टेक्निकल सेंस को डिस्टॉर्ट कर देंगे। लॉ में टेक्निकल सेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने लिखते हुए लॉ की टेक्निकल सेंसिटिविटी को बरकरार रखा, मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्या ख्याल है? लेकिन अगर आपने लिखते हुए उसके टेक्निकल सेंस को डिस्टॉर्ट कर दिया, अब मार्क्स पूरा क्रॉस हो जाएगा। क्या बात समझ आती है? तो जो हम पढ़ रहे हैं आपको याद करना है, ठीक है? अब पढ़ लेते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स। कौन सी डेट? ये 30 जून वाली, जब ये एंड हो रहा है, इन विच द सेड डेट फॉल्स। क्या बात समझ आती है? फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2022, टैक्स ईयर शैल बी 2022। क्या बात समझ आती है? गुड। अभी जितने भी डिस्कशन है सबके पास्ट पेपर्स करने हैं हमको, इसीलिए फोकस और कंसंट्रेशन रहेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हम पास्ट पेपर करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं आप बताओ उसका क्या आंसर है, आप बताओ क्या आंसर है। तो जब तक आपने समझा नहीं होगा आप नहीं बता सकते, ठीक है? आप परेशान हो जाओगे। नॉर्मल टैक्स ईयर पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर, सर नाम से ही स्पेशल लग रहा है, तो बस इसीलिए तो हमने नाम ऐसे रखे हैं। स्पेशल टैक्स ईयर, सर ये स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, अभी देखते हैं क्या है। एक बात तो तय है सर, नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 2019 या नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून पे खत्म हो रहा था, नॉर्मल टैक्स ईयर, तो ये 30 जून पे तो खत्म नहीं होगा, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक बात है। आओ पढ़ते हैं इसको। एनी इनकम ईयर, ईयर यानी कि 12 महीने का पीरियड होगा, ये क्या ख्याल है? Ending other than 30th June, oh, जबरदस्त। 30 June के इलावा साल अगर कहीं भी खत्म हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? Special tax year, बहुत आसान बात हो गई। Is a special tax year। अच्छा, अगली बात जो है वो थोड़ी टेक्निकल है। पहले मैं समझाऊंगा जो लिखा हुआ है लॉ, फिर मैं इसका रीजन भी बताऊंगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी। हमने कहा सर कोई भी साल जो 30 जून के इलावा खत्म होता हो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसकी, बैंक्स, बैंक्स का साल चलता है पहली जैन से लेकर 31st December तक। बात समझ आ रही? अभी हम पढ़ भी लेंगे क्यों चलता है, बाद में बात करते हैं। लेकिन बैंक्स का साल जुलाई टू जून नहीं चलता, कब से कब तक चलता है? 1st January to 31st December। इंशाल्लाह आप लोग जब जाएंगे फर्म्स में जाएंगे, आप में से जो लोग बैंक की ऑडिट के ऊपर डिप्यूट होंगे, तो आपको हर साल 31 दिसंबर आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाएगा। मैंने अपनी पूरी आर्टिकलशिप में किए ही फाइनेंशियल सेक्टर के क्लाइंट्स हैं, बैंक्स, बैंक 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 और बैंक, बस बैंक, लीजिंग कंपनी, मुदारबा कंपनी, फाइनेंशियल सेक्टर के सारे क्लाइंट्स के, ठीक है? तो 31 दिसंबर की हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस हो गई थी। साल खत्म हो रहा है, ईयर एंड आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है, चलो भाई चलो पूरे पाकिस्तान की ब्रांचेस का कैश काउंट करना है। कैश काउंट होते थे भाई ईयर एंड के ऊपर, कैश काउंट होते थे, ठीक है भाई? अच्छा, तो कहने का मकसद ये कि सर बैंक्स का साल एक स्टार्ट कब से कब हो रहा है? सर 1st January 2021 से शुरू हुआ, 31 दिसंबर 2021 को खत्म हुआ। क्या बेटा, ठीक है? 12 महीने का साल है जी सर, 12 महीने का साल है, जबरदस्त। इसको नाम क्या दें, इसको नाम क्या दें? अगला सवाल ये होता है, साल तो पता लग गया कब से शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है, उसको नाम क्या दिया जाए?
सर पहले जो नॉर्मल टैक्स ईयर था ना, मसला तो उसमें था क्योंकि आप इसको स्टार्ट कर रहे थे 2021 से और एंड कर रहे थे जून 2022 में, तो इस 2021 और 2022 के दरमियान फटा हो गया कि हम में से किसका नाम जिंदा रहेगा, तो फिर हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत पेश आई कि इसको क्या नाम दिया जाए। लेकिन सर इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, स्टार्ट भी कहाँ हो रहा है 21 में, एंड भी कहाँ हो रहा है 21 में, तो क्या ख्याल है इसमें तो सर फट्टा होना ही नहीं चाहिए, दोनों भाई भाई हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट टैक्स की दुनिया में नहीं चलता, गलती भी नहीं करना। तो सर इसका टैक्स ईयर कैसे डिटरमिन करेंगे, कैसे डिटरमिन करेंगे, सुनो हमें फिर से नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन की जरूरत पड़ेगी। हम नॉर्मल टैक्स ईयर को बुलाएंगे, हम बोलेंगे ए नॉर्मल टैक्स ईयर आप कब से शुरू होते हैं और आप कब खत्म होते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर ने कहा मैं हाजिर अभी बता दूं। नॉर्मल टैक्स ईयर ने कहा मैं पहली जुलाई 21 से शुरू होता हूं, 30 जून 22 पे खत्म होता हूं। और हमने कहा कि आपका नाम क्या होता है टैक्स ईयर वाले भैया, उसने कहा नॉर्मल टैक्स ईयर 2022। हमने कहा इससे पहले वाली भी टाइमलाइन बना लेते हैं, पहली जुलाई 2020, जो पहली जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक चला वो कौन सा टैक्स ईयर होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। हमने कहा टाइमलाइन बना ली हमने प्रॉपर वाली, अब क्या करें? अब देखना सिर्फ ये है, ये तो पता है हमें कि ये है स्पेशल टैक्स ईयर, ये बात तो पता है हमें। क्यों क्यों पता है? क्योंकि ये 30 जून को एंड नहीं हो रहा इसलिए पता हमें। गुड, तेज हो गए तुम लोग। इसको नाम क्या दें? मसला ये कि इसको नाम क्या दें। अच्छा ये चेक करो कि इसका ये जो ईयर एंड है ना, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन पे आके गिरता है। हमने कहा सर ये इसको हमने जब लाइन ड्रॉप की तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 की टाइमलाइन पे आके गिर रहा है। हमने कहा तो यही तो इसका नाम है फिर, स्पेशल टैक्स ईयर 2022। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? जिसको समझ नहीं आया वो हाथ रेज करेगा बेटा। फिर रिपीट कर रहा हूं स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर है स्टार्ट हुआ है पहली जैन 2021 से, खत्म हुआ है 31 दिसंबर 2021। सर हम ये नाम क्यों दे रहे हैं ये भी मैंने समझाया ही नहीं, ये भी मैंने समझाया नहीं, अभी तो मैं समझा रहा हूं नाम देना कैसे। पहले तरीका समझा रहा हूं फिर समझाऊंगा कि नाम क्यों दिया है। क्लियर है? अच्छा तो सर बैंक है, एक बैंक है हमारे कंट्री के अंदर HBL बैंक है, उस HBL बैंक का ईयर स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, और HBL वाले ने आपको बुला लिया और आपसे पूछा भाई ये मेरा साल तो शुरू हो रहा है पहली जैन से, खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को, तो अकाउंटिंग ईयर भी मेरा 2021, कैलेंडर ईयर भी मेरा 2021, टैक्स की दुनिया से मेरा वास्ता नहीं है, आप माशाल्लाह टैक्स पढ़ के आए हो तो जरा मुझे बताओ टैक्स ईयर कौन सा है मेरा। आपने कहा ये तो फंस गया मैं, फिर आपने मेरा लेक्चर रिकॉल किया। अगर सर ने क्या बताया था? सर ने बताया था अगर स्पेशल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर क्योंकि एंड कहाँ हो रहा है, सर ने बताया था है स्पेशल टैक्स ईयर, तो इसके नाम देने का एक तरीका है। क्या तरीका है? ये चेक कर लो कि ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन में फॉल कर रहा है। नॉर्मल टैक्स ईयर इस पर एप्लीकेबल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इस पर नॉर्मल टैक्स ईयर एप्लीकेबल है ना, मैं क्या कह रहा हूं इसका नाम देने के लिए, इसका नाम देने के लिए तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि यह किस नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन में फॉल कर रहा है।
पहले नॉर्मल टैक्स इसका नहीं है, बाकियों का तो है, मुल्क का तो है, क्या ख्याल है? फिस्कल ईयर तो नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से ही चल रहा है। तो हमने कहा ठीक है सर, नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से। ये देखो यहीं पे मिड में ही फॉल करिए ना जुलाई, मैंने टाइमलाइन ऐसे ही बनाई है सर। शुरू हो रहा है 1 जुलाई से नॉर्मल टैक्स ईयर, अभी हमने नॉर्मल टैक्स ईयर में ये डिस्कस कर लिया था, 1 जुलाई से शुरू होता है। और एंड का और है 30 जून 2022, बीच में कहीं आ रहा होगा 31 दिसंबर, क्या ख्याल है? 1 जुलाई से 30 जून के बीच में आ रहा होगा कहीं 31 दिसंबर। हमने कहा सर ये इसका मतलब कि 31 दिसंबर इस नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन में, इस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। अच्छा अगर ये इस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है इसका ईयर एंड, तो हम कहेंगे कि इसको भी वही नाम दे दो जो नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम है। अब कितने बच्चे रह गए जिनको समझ नहीं आ रहा? गुड। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना, टेंशन नहीं लेनी, दिल में रख के मत चले जाना, ठीक हो गई बात? बोलो बच्चा, ठीक हो गई बात, जबरदस्त। अब आते हैं इस बात पर, ये ऐसा क्यों हो रहा सर, जब ये भी 21, जब ये भी 21 तो ये क्यों 22? क्या ख्याल है, दिल में सवाल आ रहा है? दिल में तो आ रहा है सर सवाल। अच्छा अब सुन लो, ये भी 21, ये भी 21, बीच में आया 30 जून, जैसे ही 30 जून आया फाइनेंस एक्ट आया। कौन सा फाइनेंस एक्ट आया? 2021, जो कि एप्लीकेबल था टैक्स ईयर 2022 के लिए। तो सर ये जो फाइनेंस एक्ट था ना, ये जो फाइनेंस एक्ट था ना सर, ये फिर आगे आने वाले सारे पीरियड के लिए, जब तक अगला फाइनेंस एक्ट नहीं आता यही फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। और फाइनेंस एक्ट होता है 2021 जिस साल आया, और वो एप्लीकेबल कब तक रहता है? अगले नॉर्मल टैक्स ईयर तक, टैक्स ईयर 2022 तक, ठीक है? तो हमने जो इसको ये नाम दिया ना 2022, इससे हमें ये पता लगा कि इस स्पेशल टैक्स ईयर 2022 के लिए लॉ कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा, फाइनेंस एक्ट कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा? 2021, यानी कि मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूं सुनना जरा, पिछले फाइनेंस एक्ट में टैक्स वाले ने बोला, अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा बोला नहीं है, अज्यूम कर रहा हूं, पिछले फाइनेंस एक्ट में टैक्स वाला बोलता है बैंक्स के ऊपर टैक्स का रेट है 25%। 30 जून आया, नया फाइनेंस एक्ट आया, टैक्स वाले ने बोला बैंक के ऊपर टैक्स का रेट है 30%, ठीक है, इनकम के ऊपर, जबरदस्त। बैंक का साल कब खत्म हुआ? 31 दिसंबर को। बैंक अपना पीएनएल बनाने लगा, बैंक अपना पीएनएल बनाने लगा। अब बैंक परेशान है, मैं टैक्स रेट कौन सा लूं? जून से पहले तक 25 था, जून के बाद 30 हो गया, और मैं पीएनएल बना रहा हूं पूरे साल का, क्या करूं? आधा आधा कर दूं, पहले जून वाला जून तक का अलग करूं, बाद वाला अलग करूं, क्या करूं? परेशान हो गया। फिर आपको तलब कर लिया बैंक वाले ने, तो बोला भाई हम तो परेशान है, हमारा साल ही ऐसा है, हम क्या करें? हमारे साल के बीच में आ जाता है फाइनेंस एक्ट, बीच में दो हिस्सों में काट देता है हमें, आधा साल अलग आधा साल अलग। पिछले साल रेट था 25%, इस साल रेट क्या हो गया? 30%। मैं करूं क्या? आपने कहा सबसे पहले तुम डिसाइड करो तुम्हारा टैक्स ईयर कौन सा है, और आपने टैक्स ईयर डिसाइड कर लिया, और डिसाइड क्या किया? 2022। आपने कहा जब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा टैक्स ईयर 2022 है, तो अब तुम पे फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? 2021। और 2021 में टैक्स रेट कितना है? 30%। तो अब पूरे साल की इनकम के ऊपर, क्योंकि पीएनएल तो साल के आखिर में बनता है ना, साल का हिसाब किताब तो साल के आखिर में बनता है ना, तो तुम्हारा टैक्स रेट है
30%. क्या ये बात समझ आती है सबको? तो बेसिकली इस नाम से क्या हो रहा है, इस नाम से हम फाइनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं कि कौन से रेट्स एप्लीकेबल होंगे। क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? गुड, आओ पढ़ लेते हैं इसको। क्योंकि देखो लॉ को समझने में जब तुम लॉ के पीछे बैकग्राउंड को समझोगे ना, लॉजिक को समझोगे, तुम्हें याद करने में मसला कभी होगा ही नहीं। तुम उसको फिर रट्टा नहीं बोलोगे कभी भी, तुम उसको बोलोगे हमने समझा हुआ है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अल्फाज तलाश करने के लिए नोट्स रीड कर रहे हैं, क्या ख्याल है? लेकिन अगर तुमने समझा हुआ नहीं है फिर तो हर चीज बोझ है, हर चीज रट्टा है। टैक्स के अंदर बोझ कुछ नहीं है। यू विल सी एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग यू स्टडी will be practically examined in your examinations. Theory आ जाए तो सोने पे सुहागा, मुफ्त के marks. Examiner उसको practically check करेगा, practically. इसमें हम देखेंगे कितने practical जबरदस्त सवाल हैं सैंड आउट के अंदर, ठीक है? Read कर रहा हूँ मेरे बच्चों, special tax year. उम्मीद करता हूँ कि online वाले बच्चों को आवाज ठीक आ रही होगी, शुक्र। आवाज का मसला ना हो तो बाकी सब अमन है। सर ये स्पेशल टैक्स ईयर में टैक्स रेट कैसे डिसाइड करते हैं वो रिपीट करते हैं। मैं रिपीट कर दूंगा बेटा, अभी टेंशन नहीं लो, उधर सुई मत अटकाओ मेरे बच्चे, उधर सुई मत अटकाओ। वो नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है, वो बाद में फिर डिस्कस करेंगे, बाद में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। स्पेशल टैक्स ईयर, एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30th June इज अ स्पेशल टैक्स ईयर एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of the said tax year falls. क्या ख्याल है, यही बात करी हमने? Yes, sir. सर इसको नाम क्या देंगे बेटा? इसको वो नाम दे दो, denoted by the calendar year, वो नाम दे दो relevant to the normal tax year, जो relevant normal tax year का year लिया है तुमने, वही नाम दे दो इसको। लेकिन चेक कैसे करोगे? रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द सेड टैक्स ईयर फॉल्स। ये चेक करो कि जो क्लोजिंग डेट आ रही है इस स्पेशल टैक्स ईयर की, वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, और वही नाम दे दो। सिंपल इज इजी एज दैट। स्पेशल ईयर 1 January 2019 to 31 December 2019, this year end falls in the normal tax year 1st July 2019 to 30th June 2020, and therefore the tax year relevant to the normal tax year will be tax year 2020. ठीक है भाई, the board has a board को underline करो। कौन सा board सर, matric board है या inter board है? ये FBR है भाई, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, लिख लो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जब भी लिखा हुआ आएगा बोर्ड, बोर्ड लिखा हुआ आएगा तो मतलब FBR की बात हो रही है। अच्छा जब FBR की बात हो रही है, सुनना जरा बेटा गौर से, जब FBR की बात हो रही है इसका मतलब कि अब FBR प्रिस्क्राइब कर सकता है। अगर FBR कोई चीज प्रिस्क्राइब कर सकता है, अगर FBR कोई चीज प्रिस्क्राइब कर सकता है तो वो प्रिस्क्राइब कर देगा। अब नेशनल असेंबली से पास कराने की जरूरत नहीं है, क्लियर है बस? FBR हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। अंडरलाइन करो इसको। देखो लॉ में कही गई हर बात टेक्निकल होती है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है। अंडरलाइन करो इसको। The board has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular class of taxpayer. अब मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है, इसने आज की क्लास नहीं ली, उसने कहा सर ने बच्चों वाली चीज़ें पढ़ाई हैं, मैं रीड करूँगा समझ लूँगा। उसने याद किया the board has authority to prescribe any special tax year in respect of any taxpayer. याद किया क्लास ऑफ टैक्स पेयर, याद किया भूल गया, एनी टैक्स पेयर लिख दिया। लिखने को आया, उसने क्या लिख दिया? बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पेयर। सर बोर्ड की अथॉरिटी, एफबीआर की अथॉरिटी है, किसी भी टैक्स पेयर को कोई भी टैक्स ईयर स्पेसिफाई कर सकता है। सर ऐसा भी कर सकता है टैक्स पेयर आपको तलब करे, बोले बुनी साहब इधर आइएगा, इधर आइएगा,
आपका टैक्सियर अब नॉर्मल नहीं रहा। तो भाई क्या हो गया? स्पेशल हो गया, स्पेशल हो गया। हम कह रहे हैं इसलिए स्पेशल हो गया। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्लास ऑफ टैक्स पेयर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनना जरा। बोर्ड ने क्या किया, FBR ने सर साजिद को बुलाया, सर साजिद कपाड़िया जो यहाँ के ओनर हैं, प्रिंसिपल हैं, सर साजिद को बुलाया, बोला साजिद साहब बात सुनिएगा। जी फरमाए, आज से आपका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं रहा, फिर स्पेशल हो गया। साजिद साहब कहेंगे तो फजूल बात नहीं करो, फजूल बात नहीं करो। क्यों हो गया? क्योंकि आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप KNS रन कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो हमने सोचा कि आपका टैक्स ईयर चेंज कर दें। तो साजिद ने कहा कि सुनो भैया, अगर तुम चेंज करोगे ना तो टैक्स ईयर सारे इंस्टीट्यूट्स का चेंज होगा। मिसाल के तौर पर तुमने कहा कि जितने भी CA के इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब का टैक्स ईयर चेंज हो गया। कब से कब हो गया? सर पहले 30 जून हुआ करता था, अब 31 दिसंबर हो गया। FBR पहले 30 जून करता था, पहले नॉर्मल टैक्स ईयर था, FBR ने कहा सबका टैक्स ईयर चेंज, नॉर्मल से स्पेशल। अगर FBR ऐसा करेगा तो वो पूरी क्लास ऑफ टैक्स पेयर का करेगा, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर का नहीं कर सकता। अगर एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को बुला के कान में चुपके से बोला भैया आज से आपका टैक्स ईयर चेंज, तो आप बोलना भैया जाओ रास्ता ना, आप अपना काम करो, फजूल बकवास नहीं करो हमारे सामने। बात समझ आती है? ये है इसका मकसद। तो अगर किसी ने लिख दिया एनी टैक्स पेयर, अब एग्जामिनर गलत करे ना करे टेक्निकली गलत हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो देखो लॉ के अंदर तो इतनी बारीकी है। ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर फॉर एग्जाम्पल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ बिजनेस। अब देखो अंडरलाइन कर लो इसको भी, क्लासेस ऑफ बिजनेस, कुछ क्लासेस ऑफ बिजनेस ऐसी हैं जहां पर FBR ने क्या कर दिया, स्पेशल टैक्स ईयर डिसाइड किया हुआ। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, जो कंपनीज शुगर मैन्युफैक्चर करती हैं उनका टैक्स ईयर कब एंड होता है? 1 अक्टूबर to 30 सितंबर। ऑल पर्संस एक्सपोर्टिंग राइस कब एंड होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ऑल इंश्योरेंस कंपनीज बैंक्स 1 जनवरी to 31 दिसंबर। सर क्या जरूरत पड़ी है FBR को चेंज करने की? जो चलता था चलता रहता, नॉर्मल चलता रहता, 30 जून पे सबका चलता रहता। देखो सिर्फ अभी तो हम टैक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ टैक्स पर्सपेक्टिव से दुनिया नहीं चलती। क्या ख्याल है? बहुत सारी और भी चीज़ें देखना पड़ती है ना। अब मिसाल के तौर पर पूरी पूरी दुनिया, मैं ऐसी छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ बहुत सिंपल समझाने के लिए आपको, बहुत सिंपल समझाने के लिए। अभी 30 सितंबर की डेडलाइन है परसों रिटर्न फाइलिंग की, पूरी दुनिया पागलों की तरह रिटर्न फाइल करने में लगी हुई है। FBR का पोर्टल ही थक गया, बिल्कुल मर गया, ठीक है। हर बंदा कस्टमर का चालान ही नहीं बन रहा, टैक्स का चालान ही नहीं बन रहा। चालान वाली वेबसाइट पर जाओ, चालान बनाओ, नाम डालो, नाम ही पिक नहीं कर रहा, इतना तो माठा सिस्टम हमारा। अब मिसाल ले लो, अगर FBR बोले यार जितने भी टैक्स पेयर हैं कोई स्पेशल टैक्स ईयर वैक्स ईयर कुछ नहीं, सब नॉर्मल, सबका 30 जून, सबका एक ही डेट पे फाइल होगा, पूरी दुनिया एक ही डेट पे फाइल करेगी। सर सिस्टम की तो औकात नहीं है कि रिटर्न हम सबमिट कर सकें। बात है आप करते हैं कि पूरी दुनिया एक डेट पे फाइल करते हैं, क्या ख्याल है? तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हो सकते हैं। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है FBR बोले भाई पहले नॉर्मल टैक्स वाले फाइल कर लें, उसके बाद हम इनके ऑडिट भी निपटाने हैं, फिर वो फाइल करेंगे, फिर उनके ऑडिट्स भी खोल लें, चेकिंग वैकिंग करनी है, उनके जो स्टाफ है वो भी तो मैनेज करेंगे ना अपने टास्क को। मिसाल के तौर पर FBR के पास, ऐसी मिसाल ले रहा हूँ मुझे नहीं पता कितना स्टाफ है, मिसाल के तौर पर उनके पास 50,000 का स्टाफ है, वो 50,000 का स्टाफ पूरे पाकिस्तान के जितने भी टैक्स पेयर हैं उन सबका ऑडिट करता है, सबका चेक करता है, क्या सब एक टाइम पे कर सकता है? नहीं कर सकता। ये तो मैंने आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न बता दिया। फिर बैंक्स हैं, क्या हमारे जो बैंक्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं? नहीं, कितने सारे ऐसे बैंक्स हैं जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मल्टीनेशनल बैंक है, सिटी बैंक पहले ब्रांचेस थी उसकी मल्टीनेशनल है, ठीक है भाई। इसी तरह और बैंक्स होते हैं, उनकी फॉरेन कंट्री में सब्सिडरीज होती हैं। तो कुछ चीज़ें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी होती हैं। अब ग्लोबली भी बैंक्स
का जो ईयर होता है वो 1 January to 31 December होता है, ठीक है भाई। तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस कंपैरिजन, फिर कंसोलिडेशन वगैरह। तो सर ऐसा कर दें, अकाउंटिंग के लिए अलग कर दें, टैक्स के लिए अलग कर दें। तो तुम्हारे लिए यही करते रहे ना, अकाउंटिंग का हिसाब किताब अलग करें, फिर टैक्स का हिसाब किताब अलग करें, पूरे साल। तो अपने का बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके चक्कर में स्पेशल क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए हमने स्पेशल टैक्स ईयर्स रख दिए हैं। क्या बात समझ आती है? गुड। इसका कोई शॉर्टकट बता दें सर, इसका कोई शॉर्टकट बता दें। क्या हमें हर दफा ये पेपर में लाइनें बनाना पड़ेंगी, टाइम लाइनें बनाना पड़ेंगी? क्या हमें ये टाइम लाइनें बनाना पड़ेंगी? क्या हमें सफ़े काले करना पड़ेंगे? एग्जाम में मुंह काला करने से अच्छा सफ़े काले करो। चलो तो सर कोई शॉर्टकट बताएं, इसका कोई शॉर्टकट बताएं सर। आपको बताएं कि हम तो लकीरें भी सही नहीं खींच सकते, हम लकीर खींचेंगे वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो शॉर्टकट बताएं इसका। आओ देखते हैं, स्केल ले लें। सही बात। तो पहली बात तो ये, कोशिश करो कि लकीर सीधी बने, हाथ ना कांपे। क्यों कांप रहे हाथ भाई? खाओ पियो ताकतवर बनो। अच्छा लेकिन सर कोई शॉर्टकट हो इसका? हाँ है शॉर्टकट, इसका इसका है शॉर्टकट, सुनना जरा। चलो सुनो बेटा, गौर से देखो। कोई स्पेशल टैक्स ईयर है, कोई स्पेशल टैक्स ईयर है, वो फॉल कर रहे जैन टू जून में। गौर से सुनना बात, अब समझ जाओगे तो ठीक है, जिसको नहीं समझ आएगा फिर वो लाइनें बनाता रहे। जैन टू जून में एंड हो रहा है किसी का टैक्स ईयर। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक डेट देता हूं, किसी का टैक्स ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च। 31 मार्च आपने कहा कब एंड हो रहा है? स्पेशल टैक्स ईयर 31 मार्च, मार्च में एंड हो रहा है, यानी कि उसका स्पेशल टैक्स ईयर का एंड जैन टू जून। अभी मैंने सिर्फ मंथ्स लिखे हैं, देखो मंथ्स लिखे हैं। जैन से जून में किसी भी मंथ के एंड पर, किसी भी मंथ के अंदर एंड हो रहा है। मार्च 31 मार्च को एंड हो रहा है, ये 30 अप्रैल को एंड हो रहा है, ये 31 मई को एंड हो रहा है, इसी में फॉल कर रहा है ना। अच्छा फिर देखो कि वो कैलेंडर ईयर कौन सा है। सर वो कैलेंडर ईयर है मिसाल के तौर पर 2021। अच्छा तो फिर टैक्स ईयर भी है 2021। बात आई समझ में? अगर सर स्पेशल टैक्स ईयर एंड जुलाई से दिसंबर के बीच में एंड हो रहा है और कैलेंडर ईयर है 2021, तो उसका टैक्स ईयर है 2022। ठीक है बेटा, प्लस वन करना है इसमें। अब कभी लकीरें बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, कोई भी टैक्स ईयर बोलो लकीरें बनाए बगैर हम अभी डिसाइड करेंगे। आओ देखते हैं, चेक करते हैं, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आएगा मैंने किया क्या। मिसाल सर टैक्स ईयर 30 अप्रैल 2025, 30 अप्रैल 2025 सर इसमें फॉल करता है 2025। कैलेंडर ईयर क्या है? 2025। तो टैक्स ईयर क्या होगा? 2025। स्पेशल टैक्स ईयर 2025। दैट्स इट। अगला सर टैक्स ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2029। 30 सितंबर 2029 सितंबर कहां फॉल कर रहा है? 29। कैलेंडर ईयर क्या है? तो टैक्स ईयर क्या होगा? क्या सबको समझ आ गया बेटा? गुड, वेरी गुड, तुम लोग तो तेज निकले। आ जाओ तो जबरदस्त हो गया ये, आगे चलते हैं फिर। आ जाओ इसको रख करो। चेंज इन टैक्स ईयर, पिछले अटेम्प्ट में सवाल आया है, ऑब्वियस सी बात है कि इस दफा आने का चांस तो नहीं है,
लेकिन हमें तो पूरा कोर्स पढ़ना है बेटा, ठीक है? कोई तुक्के मारे तुमने, ये आएगा ये नहीं आएगा, ये करना है वो नहीं करना है, डू इट एट योर ओन रिस्क। चलो शब, उम्मीद करता हूं कि सारे अल्लाह खैर करे। यार जैसी उम्मीद करी किसी ने कैमरा हिला दिया वहां से, कैमरा नहीं रहा मेरे बच्चों। बेटे तुम जो बैठे हो ना, तुम हाथ हाथ रेस करो। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी कैमरे को जो भी टच करे ना, आसरा नहीं करना है, आसरा करना ही नहीं है, ठीक है? भाई चेंज इन टैक्स हियर, चेंज इन टैक्स हियर, चेंज इन टैक्स हियर, सुनना जरा, सुनना जरा। तो कोई पर्सन है सर, कोई पर्सन है। अच्छा, व्हेन आई से पर्सन ही कुड बी एन इंडिविजुअल, इट कुड बी अ पार्टनरशिप, इट कुड बी अ कंपनी। मेरा एक पर्सन है और सर उस पर्सन का आराम और सुकून के साथ चल रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है? नॉर्मल से नॉर्मल चल रहा है, जुलाई से जून, जुलाई से जून, जुलाई से जून। सब क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में अरमान जागे किस चीज का? यार टैक्स ईयर चेंज करना है, मैं तंग आ गया हूँ, मैं जुलाई टू जून देख के तंग आ गया हूँ, आई नीड टू चेंज माई टैक्स ईयर। क्यों? दिल चाह रहा है सर बस। अच्छा, होता है ना सर? या सर किसी के ख्वाब में रात को बाबा बंगाली आए, उन्होंने कहा बच्चा ये जो टैक्स ईयर है ना, यही तेरे लिए नामुनासिब है, मनहूस टैक्स ईयर है, जिसके चक्कर में तेरा गेन ही नहीं आ रहा, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तेरा, तू उसको चेंज कर। तू इसको कर दे 31 अक्टूबर पे ले जा, तू इसको 30 जून से कहाँ ले जा, 31 अक्टूबर पे, फिर देख कितना प्रॉफिट आता है तेरा। सर ख्वाब में ज्यारत हो गई है बुजुर्ग की, आने का बुजुर्ग नहीं था भाई, वो शैतान थे, रात को गाने सुनते हुए तो सोया था, बुजुर्ग की ज़ियारत कहाँ से होगी भाई। अच्छा, तो हमने कहा सर लेकिन अगर दिल चाहे, दिल मचले तो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है टैक्स ईयर, चेंज हो सकता है? हमारा लकी मंथ है सर, हम पैदा हुए थे उस महीने के अंदर, हमें चेंज करना है, आपको क्या मसला है? अच्छा भाई माइंड नहीं करो, हो सकता है चेंज, लॉ में गुंजाइश है, लॉ में गुंजाइश है, चेंज इन टैक्स ईयर लॉ में गुंजाइश है। क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन किसको देनी पड़ेगी? टू कमिश्नर को। अच्छा, अब देखो हम जब भी टैक्स की दुनिया में मुख्तलिफ चीजें पढ़ेंगे ना मेरे बच्चों, तो जगह जगह पर ऐसे नाम आएंगे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये वो फला बला फला, ठीक है? ये क्या है? देखो सुनना जरा, जिस तरह कोई भी कंपनी होती है ना, कोई भी इदारा होता है, उस इदारे के टॉप के ऊपर सीईओ बैठा हुआ होता है, होता है ऐसा? सर कंपनी के टॉप पर बैठा हुआ होता है सीईओ, और उस सीईओ के नीचे मिसाल के तौर पर डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर सप्लाई चेन, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर एचआर, उस डायरेक्टर फाइनेंस के नीचे मिसाल के तौर पर सीनियर मैनेजर 1, सीनियर मैनेजर 2, सीनियर मैनेजर 3, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखता है, एक बैंकिंग मैटर्स एलसी के मैटर्स देखता है, एक ट्रेजरी मैनेजमेंट देखता है, जबरदस्त। फिर सर उस सीनियर मैनेजर के अंदर हो सकता है 2-4 असिस्टेंट मैनेजर हो, उसके नीचे 2-4 फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो, तो सर ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की हो सकती है इस तरह से। मैंने कहा आप तो अकलमंद निकले, इसी तरह से होती है एफबीआर की हायरार्की। सबसे टॉप के ऊपर बैठा हुआ होता है चेयरमैन एफबीआर, ठीक है? चेयरमैन एफबीआर बैठा हुआ होता है, चेयरमैन एफबीआर के नीचे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, पता नहीं कौन कौन से कमिश्नर, ये सारे उसके नीचे आ रहे होते हैं, ठीक होगी बात? सो बेसिकली कमिश्नर इज अ एम्पावर्ड पर्सन, लेकिन ये सारे के सारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स देखते होते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो हमने कहा एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, किसको जाएगी? कमिश्नर को जाएगी। और
सर कमिश्नर को अगर एप्लीकेशन जारी है तो मतलब ही इज अ पावरफुल पर्सन, क्या ख्याल है? उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो इस एप्लीकेशन को अप्रूव भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। अज्यूम करो अप्रूव कर दिया, अप्रूव की हुई एप्लीकेशन को बाद में अपनी अप्रूवल को विथड्रॉ भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर अप्रूवल मिसाल के तौर पर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर लिया, दो साल बाद कमिश्नर को ख्याल आया नहीं भाई नहीं अपनी अप्रूवल को वापस से क्या कर लो, विथड्रॉ कर लो, तो क्या कर सकता है? कर सकता है। लेकिन कोई भी डिसीशन जो टैक्स पेयर के खिलाफ होता है, अगर कमिश्नर कोई भी ऐसा डिसीशन लेता है यानी कि या वो रिजेक्ट करता है या पहले से दी हुई अप्रूवल को विड्रॉ करता है, ऐसे केस में लॉ सिर्फ या नहीं हर जगह जहां पे भी टैक्स पेयर के खिलाफ कोई बात हो रही होगी लॉ कहेगा कि आप टैक्स पेयर को दो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्योंकि हम जालिम लोग नहीं है कि एक तरफा डिसीजन करें। टैक्स पेयर को बुला के उसके दिल का हाल भी तो सुनो, वो क्या कहता है, उसके क्या जज्बात हैं तुम्हारे खिलाफ। हमने कहा जज्बात अगर सामने आ गए तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने कहा नहीं हम सुनेंगे आपकी बात, ठीक है। अच्छा लेकिन ये कैसे होगा सर, हम एप्लीकेशन दें और कमिश्नर अप्रूव कर लेगा? नहीं कहा उसके लिए लॉ ये कहता है कि आपको कोई कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। क्या शो करना पड़ेगी? अशद जरूरत, अशद जरूरत। इसका मतलब ये है कि सर अगर मैंने ये रीजन दे दिया कि मेरा टैक्स ईयर होना चाहिए जुलाई, क्यों होना चाहिए जुलाई? क्योंकि जुलाई में मेरा रिजल्ट आया था, मैं क्वालिफाई हुआ था, मुझे जुलाई करना है, तो टैक्स वाला उसको नहीं मानेगा। या अगर मैंने उसको बोल दिया कि ख्वाब में बुजुर्ग की ज़ियारत हुई थी इसलिए मुझे टैक्स ईयर चेंज करना है, तो वो अशद ज़रूरत दिखानी पड़ेगी। अशद ज़रूरत होगी तो चेंज होगा। अब ये अशद ज़रूरत क्या होती है सर, ऐसी क्या अशद ज़रूरत होती है? आ रहा है आगे, टेंशन नहीं लो। आमतौर पर एक ही रीज़न होता है जिसकी वजह से ये टैक्स ईयर चेंज होता है, जो भी आपको पता लग जाएगा। तो कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। अच्छा सर जबरदस्त, तो सर क्या कमिश्नर ऐसे ही अप्रूव कर देगा? हाँ दिल में आएगा तो कर देगा, बादशाह अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन सर क्या कमिश्नर कोई कंडीशंस भी लगा सकता है? हाँ हमने कहा लगा सकता है, मे इंपोज सर्टेन कंडीशंस, क्लियर है? और बताएं सर, और तरीका बताएं, मजा आ रहा है। अच्छा ये खत्म हुआ हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 2021 को, कमिश्नर को एप्लीकेशन दी हुई थी, एप्लीकेशन को अप्रूव करने के अंदर 2-4 दिन लग गए, ये डेट आ गई। हमने कहा था उसको, हमने एप्लीकेशन दी थी कि भाई हमने एप्लीकेशन क्या दी थी सुनना जरा गौर से सुनना, हमने कहा था कि हमारा स्पेशल टैक्स ईयर चल रहा है, नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है और एंड हो रहा है कब? 30 जून 2021, ये चल रहा है हमारा। हमने कहा भाई हम चाहते हैं कि हमारा टैक्स ईयर कब से शुरू हो जाए? हमने कहा हमारा टैक्स ईयर शुरू हो पहली अगस्त 2021। हमने कहा हमारा स्पेशल टैक्स ईयर शुरू होना चाहिए अगस्त से और खत्म होना चाहिए जुलाई पे। कमिश्नर ने एप्लीकेशन इधर अप्रूव करी कब? 10 अगस्त को। तो जब भी वो अप्रूव करेगा
वो उसमें डेट बताएगा कि आपका नया टैक्स ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट शुरू हो चुका। यानी कि अगर उसकी अप्रूवल 10 अगस्त को भी आती है तो वो अपनी अप्रूवल के अंदर ये बताएगा कि आपका नया टैक्स ईयर 1 अगस्त से शुरू हो चुका। तो बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि सर नया टैक्स ईयर किस डेट से एप्लीकेबल होगा, किस डेट से एप्लीकेबल होगा, जो कमिश्नर जिस डेट से ऑर्डर देगा बताएगा उस डेट से एप्लीकेबल होगा। क्या बात समझ आती है? चलो इसको पढ़ लेंगे, नोट्स में ये लिखा हुआ होगा। विल स्पेसिफाई द डेट from where the special tax year is effective. या change of tax year, इसको लिखो change of tax year, ठीक है? इसको लिखो change of tax year, special tax year नहीं लिखना, इसको लिखो change of tax year effective, ठीक है? अच्छा सर, क्या ऐसा हो सकता है कि कमिश्नर ने हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया या पहले से दी हुई अप्रूवल को विथड्रॉ कर दिया, तो क्या हमारे पास उसके खिलाफ जाने का कोई रास्ता है? क्या हमारे पास कोई रास्ता है? अच्छा, हमने कहा सर टैक्स के अंदर जहां भी तुम समझो कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, तो आपके पास एक प्रॉपर चैनल है। क्या क्या? कमिश्नर अपील के पास जाओ, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ, कमिश्नर अपील के पास जाओ, नहीं समझ आता अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ, फिर भी नहीं समझ आता हाई कोर्ट के पास जाओ, उससे भी ना खुश हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, ठीक है भाई? तो सर क्या करें, यही लाइन पकड़ लें, यही चैनल पकड़ लें? हमने कहा नहीं, इधर ये चैनल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? टैक्स वाला कहता है ये इतना पैटी मैटर है कि इस छोटे से मैटर के लिए इनका दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर हमारा दिल दुखा हुआ है तो हम किसके पास जाएंगे, कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? तो लॉ ये कहता है कि अगर आप समझते हैं कि यू आर अग्रीव्ड, तो आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर दें। क्या कर दें? रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर दें टू बोर्ड, बोर्ड लिखो, रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर दें टू बोर्ड को। सर ये क्या बात हो गई, ये भी तो बोर्ड है सर, ये भी तो बोर्ड है, ये भी बोर्ड है, ये भी बोर्ड है, ये भी बोर्ड है, ये तो मिस बाउल हक वाला सीन हो गया। सिलेक्टर भी वही है, कोच भी वही है। सिलेक्टर को बोलो कोच को कंप्लेन करो, कोच को बोलो सिलेक्टर को कंप्लेन करो, ये क्या मजाक कर रहा है सर? हमने कहा जब हम कह रहे हैं बोर्ड तो इसका मतलब ये कौन सा चेयरमैन है पीआर। रिव्यू एप्लीकेशन किसको चाहिएगी? चेयरमैन एफबीआर को चाहिए, ठीक हो गया मेरे बच्चों? और जो चेयरमैन एफबीआर का डिसीजन होगा ना, ये इसका डिसीजन होगा फाइनल। और अगर सर फिर भी हम ना खुश हुए, दो चार बद्दुआएं देके निकलना, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, ठीक है? तो फिर वो और रिश्वत देना शुरू कर देगा। अच्छा भाई, मुख्तसर सा प्रोसेस है जिसको हमने पढ़ भी लिया, आप वो हैंडआउट में पढ़ लेते हैं। चेंज इन टैक्स ईयर, इन एडिशन टू द अबव अ टैक्स पेयर मे गेट परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल इनकम ईयर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा अब मेरी बात सुनना, ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा है ना, ये प्रोसेस कब एप्लीकेबल होता है? सर अगर किसी का नॉर्मल टैक्स ईयर है और उसे स्पेशल टैक्स ईयर करवाना है, अगर किसी का स्पेशल टैक्स ईयर है उसे अपना स्पेशल टैक्स ईयर चेंज करवाना है, डेट चेंज करवानी है, अगर किसी का स्पेशल टैक्स ईयर है और उसे वापस से नॉर्मल टैक्स ईयर में आना है, हर केस में प्रोसेस यही है, ठीक है भाई? फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल्ड, आप पढ़ लेते हैं इसको, जो मैंने सारी बातें करी हैं वही सारी बातें हैंडआउट में लिखी हुई हैं मेरे बच्चों, उसको मैं रीड कर रहा हूँ, समझ आपको पहले ही आ गई है, मैं रीड कर रहा हूँ, प्रोसेस खत्म।
अ पर्सन में, बेटा हैंडआउट के पेज नंबर 3 पे हूं मैं, जल्दी से आ जाओ सारे। अ पर्सन में अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल एंड द सेम कैन बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस, ये पढ़ लिया तुमने, दैट मे बी इम्पोज्ड बाय द कमिश्नर। अब वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, कमिश्नर बोले तुम ये 10 चीजें फाइल करो, हर महीने फाइल करते रहो, हर महीने हमें दिखाते रहो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, हमें क्या बताओ। कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस इफ एनी एज द कमिश्नर मे इम्पोज, अगर वो लगाना चाहे, ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड फॉर द चेंज। A change of tax year from normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal. Approval ko withdraw bhi kar sakta hai. If in his opinion, agar usko lagta hai, it is no longer feasible. Agar usko lagta hai, tumne jo reason de ke ye year change karwaya tha, wo reason ab applicable nahi hai. But not unless the person has been provided an opportunity of being heard. पढ़ चुके हम। An order of the commissioner for change of tax year shall take effect from such date, being the first day of a special tax year or normal tax year, as the case may be. As may be specified in the order. ये भी हमने देख लिया कि सर order में date लिखी हुई होगी कि जो तू change in tax year कर रहा है वो किस date से effective और applicable है। जबरदस्त। और आखिरी वाला point ही पढ़ लेते हैं। A person dissatisfied with the order may file a review application with the board against the decision of the commissioner. At the time of granting permission of for a special tax year or withdrawal of the same, ठीक है? And the decision by the board on such application shall be final. क्या बात समझ आती? इसको भी underline कर लो. Decision by the board on such application shall be final. उसके बाद कोई इंसाफ का दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता। क्लियर है बच्चा? जबरदस्त। अच्छा तो सर अब उसके रीजन पे बात कर लेते हैं कि ये क्यों, क्या वजह होती है कि किसी को अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना पड़े, क्या वजह होती है किसी को अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना पड़े। अच्छा एक बात को सुनना गौर से, चलो बेटा सुनना जरा। जी बेटा देखो चेयरमैन एफबीआर के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस टाइम तो चेयरमैन की लगेगी ना, अथॉरिटी तो पोजीशन की होती है, ठीक हो गई बात? कैसा हो सकता है कि बैंक है एबीसी बैंक, एबीसी बैंक, एबीसी बैंक की कोई सब्सिडरी है। सब्सिडरी किसको बोलते हैं? अच्छा मैं बता देता हूँ किसको बोलते हैं। तुम लोग जो भी बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, सब ठीक बोल रहे हैं। सब्सिडरी कंपनी किसको कहते हैं? सब्सिडरी कंपनी कहते हैं बेटा कंपनी, बेटा कंपनी। सब्सिडरी कंपनी ये होल्डिंग कंपनी है,
ये इसका बच्चा है, बेटा है, छोटू है, ठीक है। जिस तरह बेटा अपने बाप की एकामात पे अमल करता है, उसी तरह ये सब्सिडियरी कंपनी पूरी इसकी होल्ड में होती है। क्यों ऐसा क्या होता है सर? क्योंकि इसके ओनरशिप राइट्स, इसके ओनरशिप राइट्स इसकी जो भी ओनरशिप होगी ना, वो इस बैंक के पास ग्रेटर देन 50% ओनरशिप इसके पास है। ग्रेटर देन 50% ओनरशिप किसके पास? बैंक के पास। ग्रेटर देन 50% ओनरशिप किसके पास है? बैंक के पास। यानी कि जो हुक्म का इक्का चलेगा वो किसका चलेगा? बैंक का चलेगा। जो बैंक चाहेगा वही होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? इसलिए मैंने कहा बेटा कंपनी। बात आती समझ में? बेटा कंपनी। अभी ये लिखा मैंने तो मेरे जहन में एक वाक्य आ गया। हमारा दीन क्या कहता है? ऐसा होता है कभी जिंदगी के किसी मोड़ के ऊपर जब हम आ जाते हैं ना, जिंदगी के किसी मोड़ पर जब हम आ जाते हैं, आप लोग इंशाल्लाह ताला जब मजीद बड़े होंगे, बड़े तो हो गए, मजीद बड़े होंगे, किसी ना किसी स्टेज पे पहुंचेंगे, इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होंगे, तो ये वक्त आता है जब बंदा बोलता है यार कि मेरा पैसा, मेरी जायदाद, मेरा माल, मेरी दौलत। और फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि जब बंदा कहता है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, यकीन करें बड़ा अफसोस होता है अपने आसपास इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, कि जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बाप को कहता है, आप मुझे मेरा हिस्सा दें, मुझे मेरे पैसे दें, मैंने अपना काम करना है, अपना बिजनेस करना है। भाई कौन से पैसे? जो मेरा हिस्सा है, जो मेरे पैसे हैं। भाई तेरे कौन से पैसे? तेरा कौन सा हिस्सा? वो जो मुझे हिस्सा मिलेगा, कब मिलेगा वो हिस्सा? वो विरासत में मिलेगा, वो वालदैन की जिंदगी में नहीं मिलेगा। आज लोग क्या कहते हैं, भाई हमारा हिस्सा मांग रहे ना हम, कौन सा हिस्सा तेरा? तूने किया क्या है आज तक हरामखोरी करने के अलावा? कौन सा हिस्सा तेरा? कौन सा हिस्सा तेरा? जबकि दीन में है क्या? व्हाट इज रिलीजन? जब आप किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे, मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी में सीएफओ लग गए, माशाल्लाह 5-6 लाख रुपए की तनख्वाह आ रही है, सैलरी मिली 5,000 रुपए की, एक गड्डी 5 लाख रुपए की अलमारी में रखी है आपने, आपके अब्बा ने उठा ली वहां से, तो क्या आपके अब्बा आपसे पूछने के पाबंद हैं? नहीं है। क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। यानी कि यू कैन नॉट डिमांड एनीथिंग एज योर राइट फ्रॉम योर पेरेंट्स, लेकिन आपने जो कमाया आप खुद, यू योर सेल्फ आर द प्रॉपर्टी ऑफ योर पेरेंट्स। कितनी बड़ी बात है। और हम क्या करते हैं जब किसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, हमने देखा है लोगों को, वो अपने वालदैन से ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं जैसे पता नहीं क्या, यानी हमारे वालदैन हमारी खुशी नहीं देख सकते। अबे बोल क्या रहा भाई तू, सोच तो ले, अर्श ना हिल जाएगा। मतलब वालदैन के अलावा कौन सी मखलूक होगी इस दुनिया पे, इस रूए ज़मीन पे जो तुझे खुश देखना चाहेगी? कौन होगा वालदैन के अलावा? हो सकता है कोई? खुलूस और इखलास आपको सिर्फ एक ही रिश्ते में मिलेगा आज के दौर में, वालदैन का रिश्ता। भाई भाई का कत्ल करने के दर पे हो जाता है, भाई भाई, बहन भाई, देखते होंगे छोटे से मैटर के ऊपर भाई भाई से अलग, हाँ मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, तू मुझसे बात, भाई बहन से अलग बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने वालदैन के अंदर, इसीलिए अल्लाह पाक कहते हैं ना कि अल्लाह पाक 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत को समझाने के लिए माँ की मोहब्बत से ज़्यादा कोई बेटर बेंचमार्क है ही नहीं। क्या ख्याल है? बता दी समझ में? ध्यान में रखना अपनी बात। अच्छा, बेटा कंपनी इसका मतलब कि सर ये इसके इशारे पर चलेगा। और लॉ क्या कहता है कंपनी लॉ पढ़ेंगे, पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना पढ़ लेंगे, अल्लाह ना करे
सबने पढ़ लिया है ना? गुड। लॉ ये कहता है सर, लॉ ये कहता है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, इसका हिसाब किताब बनेगा, इसका हिसाब किताब बनेगा, दोनों का हिसाब किताब मर्ज होगा, कंसोलिडेट होगा FAR 2 में, जो तुम कंसोलिडेशन पढ़ते हो। क्या ख्याल है? अब सर इसका हिसाब किताब बन रहा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और ये सब्सिडरी है XYZ मुदारबा, पता नहीं मुदारबा क्या है, जो भी कर लो ना, XYZ सर्विसेज AES 157, किसी की गाड़ी का नंबर है बेटा? AES 157, अगर है तो हटा लो बेटा। अच्छा XYZ कंपनी कर लो इसको, ठीक है, और अज्यूम करो कि इसका ईयर एंड चल रहा है, टैक्स ईयर एंड भी चल रहा है, अकाउंटिंग ईयर एंड भी चल रहा है, जुलाई टू जून, ठीक है। और आपको पता है कि जब ईयर एंड की बात करते हैं तो ईयर एंड इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट, उस ईयर एंड पर हमें सारा हिसाब किताब बनाना होता है, बुक्स क्लोज करना पड़ती हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज डालनी पड़ती हैं। क्या ख्याल है? अक्रूवल सारे लेने पड़ते हैं, एंट्रियां पास करनी पड़ती हैं। तो ईयर एंड की एक्सरसाइज इज अ सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज, कि जहां बैठ के हम अपनी पूरी इनकम को, एसेट्स को फाइनलाइज करते हैं। अब तुम सोचो कितना मुश्किल हो जाए इस कंपनी के लिए, अपना ईयर एंड करे वो जुलाई टू जून, फिर कंसोलिडेशन करने के लिए 31 दिसंबर को इसका बाप आ जाए, वो बोले कि हमें अपने फाइनेंशियल्स दे, ये बोलेगा लो हमारे फाइनेंशियल्स जुलाई टू जून, बोलेगा पागल बना के रखा है क्या मुझे, हमारा ईयर एंड है जैन टू दिसंबर, तुम्हारे फाइनेंशियल्स हैं जुलाई टू जून, तुम हमें भी अपनी कंपनी के जैन टू दिसंबर बना के दो, ताकि हम लाइक टू लाइक ईयर एंड को कंसोलिडेट करें ना। क्या ख्याल है? तो वो कहेगा यार एक तो मैं ख्वारी करूं जून पे, फिर मैं ख्वारी करूं 31 दिसंबर पे आपके लिए, तो क्यों ना मैं टैक्स वाले से रिक्वेस्ट कर लूं कि मेरा ईयर एंड चेंज कर दे। क्या ख्याल है? तो 99.99% जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आता है, टैक्स ईयर जो चेंज करवाती हैं वो सब्सिडरी कंपनीज करवाती हैं, या ये चेंज करवा ले या ये चेंज करवा ले, दोनों में से कोई भी चेंज करवा ले तो ईयर एंड कोइंसाइड कर जाएंगे इनके। जब ईयर एंड कोइंसाइड कर जाएंगे तो इनको रिपोर्टिंग में आसानी हो जाएगी, कंसोलिडेशन में आसानी हो जाएगी, SEC की फाइलिंग में आसानी हो जाएगी। क्या ख्याल है? अच्छा भाई, तो ये रीजन भी समझ आ गया आपको। अब जब सभी समझ आ गया तो आओ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी समझ लेते हैं। एक हो गया नॉर्मल टैक्स ईयर, एक हो गया स्पेशल टैक्स ईयर, और उसके बाद क्या आ रहा बेटा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कुछ लोग एक दो टैक्स ईयर को ऐड भी कर देते हैं। टैक्स के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर एडिशनल टैक्स ईयर बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सेक्शन 74 की बात कर रहे हैं जो आपकी किताब में टैक्स ईयर दिए हुए। हम नहीं चाहते आपको कंफ्यूज करना किसी भी तरीके से, ठीक होगी बात? कंफ्यूज हर तरीके से हम आपको करेंगे CA फाइनल में, क्योंकि उस वक्त आपका लेवल होगा कंफ्यूज करने वाला, ठीक है। अच्छा अब आओ जरा देखते हैं, सुनना ये भी जरा गौर से, तवज्जो होगी तो समझ आएगा वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है बेटा। और इसके ऊपर एग्जामिनर सवाल बनाता है, ICAP का एग्जामिनर तो सवाल बनाएगा ही उसमें जो समझ नहीं आता। क्या ख्याल है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2020 से, सुनना बेटा 30 जून, क्या नाम दो इसको आप बताओ? हाँ नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। क्या सब इस बात से सहमत है? और इसने कहा भाई मेरा तो नॉर्मल चल रहा था टैक्स ईयर, लेकिन अब मुझे अपना टैक्स ईयर चेंज करना है, और अब मेरा टैक्स ईयर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ 1 अक्टूबर 2021 से, और अब मैं चलाऊंगा इसको 30 सितंबर 2022 तक। हमने कहा जबरदस्त बात है, अब चलाते रहो,
ये टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर, इसको नाम क्या देंगे? आप बता दो बेटा, आप बता दो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पेशल टैक्स ईयर 2023, ठीक है, जबरदस्त हो गया। यानी कि सर ये पूरा मुकम्मल साल है, इसका मैं पूरे साल का रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दूंगा। बेटा ये रिटर्न, जब भी मैं कहूँ ना रिटर्न, इस रिटर्न का मतलब होता है फॉर्म, स्टेटमेंट, टैक्स की दुनिया की बैलेंस शीट, पीएनएल। इसका मतलब ये नहीं होता किसी चीज को लौटाना, इस रिटर्न का मतलब ये नहीं होता। इस रिटर्न का मतलब होता है गोशवारा, फॉर्म, रिकॉर्ड, ठीक है बेटा? क्या ये बात याद रहेगी? Yes, कोई मुझसे ये तो नहीं पूछेगा ये रिटर्न का मतलब लौटाना तो नहीं होता? होता है या नहीं होता? रिटर्न ऑफ इनकम। सर ये पूरे साल का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट टैक्स वाले के पास फाइल हो गया। सर ये भी पूरे साल का रिटर्न ऑफ इनकम फाइल हो गया, पूरा साल बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट। लेकिन सर ये बीच का पोर्शन ऐसा है जो यतीम रह गया, ये यतीम रह गया, इसके सर पे ना इस साल ने हाथ रखा ना इस साल ने हाथ रखा। आई एम ऑर्फन, मैं यतीम। अच्छी बात है सर, एक काम करते हैं, ये वाला पीरियड ही गबन कर लेते हैं, टैक्स वाले को बताते ही नहीं है, जो भी कमाया सारा घर ले जाते हैं, टैक्स ही नहीं देते इसके ऊपर। किसको पता? टोपी ड्रामे करोगे ना तुम तो फंस जाओगे। पिछला टैक्स ईयर तुम्हारा फाइल हुआ है 21 का, दूसरा टैक्स ईयर तुम्हारा फाइल हुआ है 23 का, तो टैक्स वाले को नहीं भी पता होगा तो पता चल जाएगा 22 का बाकी है। क्या ख्याल बेटा? एक टैक्स ईयर बाकी है, 22 का नहीं, एक टैक्स ईयर, या कुछ बीच में मिस हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। दूसरी बात यह कि कोई भी पीरियड आप खाली छोड़ नहीं सकते, टैक्स वाला घर लेके आ जाएगा, ठीक है? तो आपने कहा सर इसका क्या करें, इस साल का क्या करें हम, इसको क्या नाम दें? हमने कहा यही तो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो हम डेफिनेशन तो पढ़ लेंगे, लॉ के अंदर क्या लिखी हुई है मुश्किल अल्फाज में, आसान अल्फाज में क्या है सर? लास्ट फुल टैक्स ईयर के एंड से लेकर स्टार्ट ऑफ द न्यू टैक्स ईयर, न्यू स्पेशल टैक्स ईयर। क्या ख्याल है? पिछले जो पूरा साल गुजरा उसके ईयर एंड से लेकर अगले शुरू होने वाले नए स्पेशल टैक्स ईयर के स्टार्ट तक जो पीरियड है वो क्या है? पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ लास्ट फुल टैक्स ईयर टिल द स्टार्ट ऑफ न्यू स्पेशल टैक्स ईयर इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सिंपल, क्लियर है ये बात? तो सर क्या होगा, इसका अलग से रिटर्न फाइल होगा? जी बेटा, इसका अलग से रिटर्न फाइल होगा। पोर्टल के ऊपर अलग से ऑप्शन होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो पोर्टल पर ऑप्शन देता है कि आपको नॉर्मल टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल करना है, स्पेशल टैक्स ईयर का फाइल करना है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का फाइल करना है, ठीक है बच्चा? अच्छा, अब एक और मसला, इस टैक्स ईयर को क्या नाम दें, इसका नाम कैसे डिसाइड होगा? सर इसका नाम कैसे डिसाइड होगा? इसका नाम डिसाइड करने के लिए उसूल वही रहेगा, उसूल वही रहेगा जो किसके लिए था, जो किसके लिए था, स्पेशल टैक्स ईयर के लिए था। तो अब मुझे आप बताओगे इसका नाम क्या होगा? सोच के, इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का मैं नाम क्या रखूंगा, क्या नाम रखूंगा बेटा? गुड, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2022, ठीक है बेटा? क्या सबको ये बात क्लियर है बेटा? इसका नाम रखने का उसूल बिल्कुल वही होगा जो स्पेशल टैक्स ईयर का है। क्या उसूल थे? दो उसूल थे, एक लॉन्ग कट एक शॉर्ट कट। लॉन्ग कट क्या था? नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन बनाओ, देखो ट्रेडिशनल टैक्स ईयर का ईयर एंड किस नॉर्मल ईयर एंड में फॉल कर रहा है, या ऐसे निकाल लो, या कैसे निकाल लो, शॉर्टकट से निकाल लो। ये एंड कब हो रहा है? सर ये एंड हो रहा है 30th सितंबर को।
सितंबर आता जुलाई से दिसंबर तक, और अगर जुलाई से दिसंबर तक कोई टैक्स ईयर एंड हो रहा है तो उसमें प्लस वन कर दो। तो अगर ये 30 सितंबर 2021 है तो सर इसका टैक्स ईयर होगा 2022। और पढ़ लेते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस। जब टैक्स ईयर चेंज होता है तभी ये मसला आता है। एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर बाय द कमिश्नर, जाहिर सी बात है कमिश्नर ऑर्डर देगा तभी चेंज होगा, ऑफ इनकम टैक्स आइदर फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर और वाइस वर्सा। अब देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। अब बोर्ड पे देखो, जरा बोर्ड पे देखो, मैं रीड भी करूंगा, अब तुम बोर्ड पे देखोगे। पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज एंड द डेट ऑन विच चेंज्ड टैक्स ईयर कमेंसेस। ये इन दो के बीच का जो पीरियड है वो क्या है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो क्या ये याद रहेगा? यस सर। अब ये याद करने में आसानी हो जाएगी इधर? यस सर। शुक्र शुभ। अब एक डब्बा है, उसके सवालात में आपसे पूछूंगा तो आप अलर्ट रहिएगा। एग्जांपल है, एक छोटी सी आपकी किताब की एग्जांपल है। एग्जांपल, द नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। प्लीज, नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ एबीसी लिमिटेड वॉज द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 30 जून 2018। ऑन एन एप्लीकेशन बाय एबीसी लिमिटेड, कमिश्नर ग्रांटेड अप्रूवल टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर ऑफ 30 सितंबर ईच ईयर। द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2018 to 30 September 2018 will be treated as transitional tax year. अच्छा, ये तो example है, डब्बे पे आओ। Determine the tax year in respect of each accounting periods mentioned below. अच्छा भाई, तो बेटे आप बताओगे आप। हाँ, 1 September 2017 से 31 August 2018 इसका टैक्स ईयर बता दो मुझे। कोई नहीं बताएगा सिवाय इस बच्चे के। टैक्स ईयर 2019। क्या सही जवाब दिया है? वेरी गुड। बेटा आप बताएंगे, 1 जैन 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018। खातून कह रही है टैक्स ईयर 2019, क्या ठीक है? वेरी गुड। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ये आप बताओगे बेटा। रेड शर्ट जी, रेड शर्ट आप। हाँ, टैक्स ईयर 2000, सोच लो। गुड। अच्छा भाई, अब सबसे लास्ट में आपके भी जो पीछे बैठे हैं, हाँ आप बताओगे, 1 मई 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 टैक्स ईयर क्या होगा बेटा? 2000। गुड। और लास्ट वाला आप बता दें बेटा, 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019। वेरी गुड, टैक्स ईयर 2019, ये तो नॉर्मल टैक्स ईयर है। अब जरा पास पेपर के सवाल देख लेते हैं एक दो। क्वेश्चन 2B, वन ऑफ योर क्लाइंट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी हु वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30th June टू December 31 एज द इनकम ईयर ऑफ इट्स पेरेंट एंड्स ऑन 31st December। Advise the client about the requirements of Income Tax Ordinance 2001 regarding change in tax year from normal to special. क्या ये लिख लोगे? Yes sir. अगला सवाल, Inspired Pakistan Limited IPL wants to change its accounting year from 30 June to 31 December as the income year of its parent company in USA ends on 31st December. Advise IPL about the requirements of Income Tax Ordinance regarding the change of tax year from normal to special. कर लोगे? और लास्ट अटेम्प्ट का जो सवाल है वो तो आपने पहले ही पढ़ लिया, वो भी चेंज इन टैक्स ईयर वाला ही है, दो मार्क का। ठीक हो गई बात?
ठीक हो गई बात। ऑनलाइन वाले बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक चल रहे हैं, खैरियत से मिटा लो। कोई जो भी आपका क्वेश्चन हो क्यू एंड ए में लिख लो बेटा, नोट सेंड कर दें, बहुत टेक्निकल सवाल है बेटा, नोट कितनी दफ़ा सेंड करूँ मैं, चलो फिर भी कर दूंगा मैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्यू एंड ए में लिख दें, मैं क्लास एंड होने के बाद सबके जवाब दे दूंगा, ठीक है। क्यू एंड ए में लिखना, चैट बॉक्स में नहीं लिखना, क्यू एंड ए में लिखना। ऑफ कहाँ से भाई, 15 मिनट हैं अभी पूरे। जो बोलो बेटा, कर सकते हैं ठीक है। मैंने बताया ना, नॉर्मल से स्पेशल भी हो सकता है, स्पेशल से नॉर्मल भी हो सकता है, स्पेशल से स्पेशल भी हो सकता है, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है बच्चा। अब जो डिस्कशन है हमारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आ रहा है मार्केट में, बहुत मजेदार। चलो, रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, चलो कोई मुझे बता सकता है रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? सर उर्दू में अगर आप पूछ रहे हैं, पहले तो अभी बताएं अंग्रेजी में पूछ रहे हैं या उर्दू में पूछ रहे हैं? देखो अंग्रेजी इतनी अच्छी है नहीं तुम्हारी कि मैं उसमें तुमसे पूछूंगा, ठीक है उर्दू में बता दो। रिहायशी सर, रिहायशी, व्हेन यू आस्क समवन वेयर डू यू रिजाइड, इसका मतलब ये होता है आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। कोई कह सकता है कि मैं अपने घर में रहता हूँ भाई, कोई कह सकता है आई रिजाइड ऑन तारिक रोड, मैं तारिक रोड पे रहता हूँ, कोई कह सकता है आई एम रेजिडेंट ऑफ कराची, मैं कराची में रहता हूँ, और कोई अगर थोड़ा टेक्निकल होगा आपकी तरफ आएगा आई रिजाइड इन पाकिस्तान। तो सर देयर कुड बी वैरायटी ऑफ आंसर्स, अच्छा सही है, लेकिन इन सब आंसर्स में एक बात कॉमन है, वो क्या? बेसिकली बेसिकली यू आर एसोसिएटिंग योर सेल्फ टू अ प्लेस वेयर यू थिंक यू बिलोंग टू, क्या ख्याल है? जिसने भी आंसर दिया अपनी कैपेसिटी में ठीक दिया, कैपेसिटी में ठीक दिया, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, हमारा सेंस ऑफ कनेक्शन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग रिप्रेजेंट हो रहा है, हम कहां से कनेक्टेड है। हो सकता है कोई ये पूछना चाह रहा हो किस इलाके में रहते हैं, किस इलाके से कनेक्टेड है, वो आंसर भी ठीक है, किस शहर से कनेक्टेड है वो आंसर भी ठीक है, और किस कंट्री से कनेक्टेड है वो आंसर भी ठीक है। आम जिंदगी में तो ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टैक्स, द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन, वहां पे रेजिडेंट का मतलब क्या है अभी पता लग जाता है क्या है, और ये कैसे डिसाइड होगा और कौन डिसाइड करेगा कि रेजिडेंट हैं या नहीं है। ऑब्वियस ही बात है कि जब हम टैक्स की दुनिया में रेजिडेंस का स्टेटस इस्टेब्लिश करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस इस्टेब्लिश करेंगे, तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, वो लोकेलिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, वो शहर के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा। वो स्टेटस हम डिटरमिन करेंगे आर वी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और नॉट, आर वी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और नॉट, क्या बात समझ आती है? यानी कि हम अपना सेंस ऑफ कनेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग अब इस कंट्री से इस्टेब्लिश करेंगे, इस कंट्री से इस्टेब्लिश करेंगे। ज़बरदस्त बात हो गई। तो सर इस बिलोंगिंग को, इस सेंस ऑफ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का क्या कोई क्राइटेरिया है? नगर जी बिल्कुल क्राइटेरिया है, अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तब तो हम आपको रेजिडेंट कहेंगे, वरना माजरत के साथ आप माइंड करते हैं, आप माइंड करें हम आपको रेजिडेंट नहीं कहेंगे। सर ये तो आप हमें गैर कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो सर इसका मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई क्राइटेरिया है? जी क्राइटेरिया है, मुख्तलिफ पर्सन के मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। इंडिविजुअल का अलग क्राइटेरिया है, एओपी का अलग क्राइटेरिया है, और कंपनी का अलग क्राइटेरिया। पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल का क्राइटेरिया, फिर हम पढ़ेंगे एओपी का, और फिर हम पढ़ेंगे कंपनी का, ठीक होगी बात। स्टार्ट हम करेंगे इंडिविजुअल से।
इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन होगा, कैसे डिटरमिन होगा? सर ये एक्सरसाइज अब हमसे करवाना क्यों चाह रहे हैं, मकसद क्या है इसके पीछे? हमने कहा अभी मकसद ना पूछो, वो खुफिया है, मकसद बाद में आएगा। पहले ये इस्टेब्लिश करना है कि आप रेजिडेंट हो भी या नहीं हो। पहले आपको अपने अपने आप के ऊपर रख के चेक करना है कि क्या हम रेजिडेंट हैं भी या नहीं। हो सकता है ये ऑर्डिनेंस आपको गैर कर दे, गैर करार दे दे, भाई ये रेजिडेंट नहीं है यार, इसको निकालना है। क्या ख्याल है? पहले हम चेक तो करें कि आर वी रेजिडेंट और नॉट। एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होता है, तो आओ उसके लिए हम हैंड आउट की मदद लेते हैं। क्या कहता है हैंड आउट? रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पस हैज नथिंग टू डू विद द नेशनैलिटी। यानी हम टैक्स की दुनिया में रेजिडेंशियल स्टेटस एस्टेब्लिश करेंगे, उसका नेशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई ताल्लुक नहीं होगा। हो सकता है कि सनी नाम है तुम्हारा, हो सकता है सनी कहे कि सर आपको क्या पता आई वॉज बॉर्न इन यूके, और सर मैं यूके रेजिडेंट हूँ, सर मैं यूके नेशनल हूँ, लेकिन चूंकि बस आपका नाम सुना था तो मैं टैक्स पढ़ने आ गया आपके पास। ऐसे खुश कर रहा हूँ अपने आप को यार, मैं आ गया तो सर आई एम यूके नेशनल एंड आई कुडंट बी रेजिडेंट। तो हमने कहा भाई सबसे पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लें, आप भले यूके नेशनल हो, आप चाइनीज नेशनल हो, ठीक है, आप कहीं के भी नेशनल हो, रेजिडेंशियल स्टेटस नेशनैलिटी से ताल्लुक नहीं रखता। तो सर फिर किससे ताल्लुक रखता है, आओ पढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पस हैज नथिंग टू डू विद द नेशनैलिटी और डोमिसाइल फॉर एन इंडिविजुअल। डोमिसाइल इज अ डॉक्यूमेंट, आप लोग बहुत से लोगों का बना होगा, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। Domicile for an individual, because the residential status is based on number of days of physical presence in Pakistan during a tax year. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, it is based on number of days of physical presence in Pakistan during a tax year. अगर मुझे decide करना है कि ये भाई रेजिडेंट हैं या नहीं हैं, मैं इनसे कहूँगा कि ये चीज़ डिसाइड होगी तब जब आप मुझे बताओ कि आप पाकिस्तान में टैक्स ईयर में कितने दिन फिजिकली प्रेजेंट थे। इसका आपकी नेशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। एग्जामिनर जब आपको एग्जाम में सवाल देगा तो वो पूरा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, चाइनीज़ नेशनल, जर्मन नेशनल, यूके नेशनल, उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक नेशनैलिटी से नहीं है। जबरदस्त। देयरफॉर अ फॉरेनर मे बी अ रेजिडेंट पर्सन एंड अ पाकिस्तानी नेशनल मे बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। कोई फॉरेनर है, वो यहां पर आया हुआ है, पाकिस्तान में आया हुआ है, और मिसाल के तौर पर काफी दिनों से आया हुआ है, हमें नहीं पता कितने दिन है, तो वो रेजिडेंट हो सकता है। और कोई पाकिस्तानी नेशनल है, वो बाहर चला जाए और बाहर जाके रह रहा है, हो सकता है कि वो नॉन रेजिडेंट हो जाए। बात आती समझ में? अच्छा, अ पर्सन मे बी अ रेजिडेंट इन अ टैक्स ईयर एंड नॉन रेजिडेंट इन द नेक्स्ट टैक्स ईयर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और क्राइटेरिया देखते हैं, वक्त जाएगा बगैर। 0 to 182 days, अगर मैं एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर में 182 दिन तक फिजिकली प्रेजेंट हूं तो क्या मैं रेजिडेंट होऊंगा? नहीं सर। अगर आप अप टू 182 डेज, मिसाल के तौर पर अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल टैक्स ईयर की, ये डिसाइड होता है टैक्स ईयर के हिसाब से जो कि चलता है 1 जुलाई 2021, 30 जून 2022, ठीक है। मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, लेकिन हुआ क्या, मिसाल के तौर पर मैं किसी फॉरेन कंट्री में चला गया, मैंने कहा यार चलो दूसरी मुल्कों में जाके भी पढ़ाते हैं बच्चों को, देखते हैं कैसे बच्चे हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर मेरे जो पाकिस्तान में फिजिकल डेज बन रहे हैं वो बन रहे हैं 180, तो क्या मैं रेजिडेंट होऊंगा? मैं रेजिडेंट नहीं होऊंगा। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए दिन कितने होने चाहिए? 183 और मोर डेज। और देखा जाए तो लॉजिकल भी लगती है बात, क्या ख्याल है? साल का ज्यादातर हिस्सा आप अपने वतन में अपने वतन की मिट्टी के साथ तो गुजारे हैं, क्या ख्याल है?
जिसने साल का ज्यादातर हिस्सा इस मुल्क का नमक खाया है, हम उसी को रेजिडेंट कहेंगे ना यार। हम ऐसे किसी एरे गेरे को कैसे कह सकते हैं रेजिडेंट यार। बात भी दिल को लग रही है सर, बात समझ आ रही है आपकी। फिर से, साल के दिन कितने होते हैं? जनरली 365 होते हैं। कोई बच्चा आर्ग्यू ना करने लग जाए, लीप ईयर शीप ईयर भी होता है, उसमें कम दिन होता है। जनरली 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो सर, अगर जिसने साल का ज्यादातर हिस्सा, 183 इज द मेजॉरिटी पोर्शन ना, 183 डेज अगर कोई गुजार लेता है, जरा 183 को डिवाइड बाय 365 करो, ग्रेटर देन 50% हो गया। हमने कहा जो साल का ज्यादातर हिस्सा मुल्क में गुजारेगा सर, हम उसी को ये टैग लगाएंगे रेजिडेंट का, हम किसी एरे गेरे को रेजिडेंट नहीं कहेंगे। और अगर आप भी सर सिर्फ 180 दिन तक पाकिस्तान में मौजूद थे और बाकी दिन आपने बाहर गुजारे, तो हम आपको भी रेजिडेंट नहीं कहेंगे। अरे आप तो सीरियस हो गए। अच्छा भाई, 183 और मोर डेज, यानी कि इक्वल और मोर देन 50% ऑफ डेज इन अ ईयर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। ठीक होगी बात। तो हमें कहा कि सर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का सिंपल क्राइटेरिया तो हमें पता लग गया, सादा क्राइटेरिया, सिंपल क्राइटेरिया कि क्या होगा। क्या बात समझ आती है? टेक्निकल क्राइटेरिया के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास का, जो कि होगी इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन। नेक्स्ट क्लास है हमारी बेटा फ्राइडे को एट 10 AM। बात समझ आती है? याद रहेगा जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा है वो सारा के सारा याद करके आएंगे आप लोग अगली क्लास में। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। हम जो भी पढ़ेंगे घर जाके आपको याद करना है, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये आपको इसलिए भी पता है कि अब रिजल्ट का इंतजार तो करना वैसे ही नहीं है। टैक्स का पेपर तो वैसे ही शुरू में आ गया है, तो अब रिजल्ट का इंतजार किए बगैर टैक्स पढ़े जाओ। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफि